एंट मैन एंड मार्वल कॉमिक्स पर आधारित 2018 हज़ार अठारह की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें स्कॉट लैंग एट एंड मैन और होप पीम वास्क नाम के किरदार हैं मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है एंट मैन दो की अगली कड़ी और मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स एम की बीस फिल्म है फिल्म का निर्देशन पीटर रिड ने किया था इसे ट्रीम क्रिसम के और एरिक सोमरस और पोल रोड एंड्री बैरर और ग्रेवियल फिरारी की लेखन टीमों ने लिखा था इसमें रूड नैल और लेग और लिली ने होप वैन डाइन की भूमिका निभाई है साथ ही माइकल पैना वाल्टन गॉन्ग और हैरा जोन कैमन डेविड डेस्ट <coughs> मल्चियन टिप्टी आई और हैरिस फिल्म में मुख्य पॉइंट दायरे से जैनिट वन डायने को वापस लेने के लिए है उस फिल्म के रिलीज़ होने के कुछ समय बाद ही एंड मैन के सीक्वल के बाद बातचीत शुरू हो गई और एंड मैन एंड द वासवी के अधिकारी घोषणापुर की गई थी जिसमें रोड और लीली अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए लौटे थे एक महीने बाद एजम के निर्देशक वीर की आधिकारिक तौर तो पर वापसी और वह पहली फिल्म के निर्माण के बाद से शामिल हुए थे शुरू से ही इस फिल्म को विकसित करने के लिए उत्साहित थे और वह इस फिल्म में वापस के रूप में होप वैन को पेश करने के लिए विकसित थे उन्होंने लैंग के साथ समान व्यवहार करने पर जोर दिया और फिल्मांकन अगस्त से नवंबर दो हज़ार सत्रह तक जॉर्जिया के फेट काउंटी पाइनवुड और अटलान्टा स्टूडियो साथ ही मेट्रो और अटलान्टा सैन फ्रांसिस जॉर्जिया में हवाई में हुआ था एंड मैन एंडवास्तो का बॉर्ड फिल्म बॉलीवुड लॉस एंजल्स में पच्चीस दो तो हज़ार अठारह को हुआ था इसे एम सी जो सी चैनल के रूप में छः जुलाई जो अठारह को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था यह फिल्म राज सफल रही इसका यह प्रदर्शन हाशिया और प्रशंसा प्राप्त हुई है इसने दुनिया भर में छह सौ बाईस मिलियन से लिखी कमाई की और एक सीकुलेंड बन एंडिया फरवरी जो तेईस में रिलीज किया गया था कथानक शोकोविया के साथ शामिल होने के गान स्कॉटलैंड को घर पर निर्मंद की जाने के दो साल बाद और उनकी गेटिंग वो बैन बैंड कुछ लिए क्वांटम डायरे में एक फेम में कामयाब हो जाते हैं उनका मानना है कि मैं न्यूजा से नियोक मानसिकने के बाद टीम की उनकी पत्नी जैनिज वैन दायर वहाँ पहुँच सकती है और उन्होंने उनसे पहले क्वांटम दायरे का दौरा किया था और लैंड अनजाने जैनज के साथ क्वान्टम खेल में लग गया था अब उसे स्टेज पर संदेश मिलता है घर में नजरबंद रहने के कुछ फिल्म बचे हैं लैंड वज के साथ लैंड कानून के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद जैनिज के बारे में फिल्म से संपर्क करता है फिर लाइन को ओपन कर लेते हैं और लाइन के टक्टों पर लगी मौन के साथ एक बड़ी चिटी को एक प्रलोभन के रूप में छोड़ देते हैं ताकि अब यह वे जीवन में पैदा हो जन की संदेश को इस बात की पुष्टि मानते हुए कि वह जीवित तो तीनों एक स्थिर क्वांटम सुरंग बनाने के लिए काम करते हैं ताकि वे क्वांटम दायरे में एक वाहन ले जा सके और उसे वापस ला सके उन्होंने सुरंग के लिए आवश्यक एक भाग को ब्लैक मार्केट डीलर्स ने वर्च के भेजने की व्यवस्था की करते हैं लेकिन खर्च वर्च को फिल्म के शोध से होने वाली संभावित लाभ का एहसास होता और घर में धोखा देता है ततैया की पोशाक पहनकर हो बर्ज उसके आदि में हमें उसे तब तक लड़ती है जब तक कि उस पर एक एक क्वांटम रूप से द्वारा नहीं कर दिया जाता लैंग लैंगने में मदद करने की कोशिश करता है लेकिन महिला पिम की प्रयोगशाला के साथ भाग जाती है जिसे एक सूटकेस के आकार में छोटा कर दिया जाता है, है। जो उसे बेरहमी से पीटता है और उसे उसी पेड़ से लटका देता है जिस पर लकी ने उसे लटकाया था लक्की भाग जाता है और गृह मंत्री गोवर्धन की मदद से बदला लेने की योजना बनाता है जो विधायक से गृह मंत्री बनने के लिए लक्की का आभारी है लक्की ने गोवर्धन को यह कहकर मूर्ख बनाया कि वह कैंसर से पीड़ित है और उसके पास जीने के लिए केवल दो दिन हैं गोवर्धन का कहना है कि वह लक्की की कोई भी इच्छा पूरी करेगा और लक्की एक विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का अनुरोध करता है और गोवर्धन से लकी के जीवित रहने के लिए बारह घंटे का एकांत अनुष्ठान करने के लिए कहता है गोवर्धन सहमत है लकी पुलिस अधिकारियों की एक टीम का प्रभारी है जिसमें किल बिल पांडे भी शामिल है एक निराश पुलिस अधिकारी जो नेतृत्व करता है और लकी को शिव रेड्डी की संपत्तियों को नष्ट करने में मदद करता है यह नहीं जानते हुए कि लकी एक नकली पुलिस अधिकारी है लकीन ने शिवा रेड्डी को उसकी फैक्ट्रियों की सूची लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से किल बिल भेजा इस बहाने से कि उन्हें पता चल जाएगा कि किन फैक्ट्रियों पर छापा नहीं मारना है सूची और मीडिया का उपयोग करते हुए विशेष बल की टीम आक्रमण करती है और शिवा रेड्डी के अवैध कार्यों का पर्दाफाश करती है गोवर्धन की प्रार्थना समाप्त होती है और सीएम द्वारा उसे उसकी गलती के लिए डांटने के बाद गोवर्धन राम से मदद मांगता है लकी लड़ता है और शिवा रेड्डी को हरा देता है लेकिन जब वह उसे पकड़ लेता है तो राम प्रकट होता है और लकी को पकड़ लेता है गोवर्धन और सीमा सी लकी को उसके गैर कानूनी कार्यों और उन्हें अपमानित करने के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी देना चाहते हैं लेकिन राम उन्हें बताता है कि लोग उस व्यक्ति को मारना पसंद नहीं करेंगे जिसने शिवा रेड्डी को उजागर किया था उन्होंने खुलासा किया कि जनता अगले चुनाव में उसी सरकार को फिर से चुनने की योजना बना रही थी लकी इस अवसर का उपयोग करता है और सीएम और गोवर्धन को इस विशेष बल टीम को जारी रखने और अपने भाई जैसे पुलिस अधिकारियों को पूरी शक्तियां देने के लिए ब्लैकमेल करता है उन्होंने शिवा रेड्डी को जाने दिया लेकिन राजीव ने उसे गोली मार दी लक्की और राम अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से मिलते हैं गोलकुंडा किला जहां अल्लू अर्जुन और अन्य पर कुछ दृश्य फिल्माए गए थे सितंबर 2012 की शुरुआत में यह बताया गया था कि सुरेंद्र रेड्डी इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को निर्देशित करेंगे जिसे नल्ला मालूपु गुजित द्वारा निर्मित करने की घोषणा की गई थी अक्टूबर 2012 के अंत में इसका नाम रेस गुर्रम रखा गया सुरेंद्र रेड्डी और थमन के साथ अल्लू अर्जुन की यह पहली फिल्म थी यह फिल्म 24 अक्टूबर 2012 को विजयदशमी के दिन हैदराबाद के रामा नायडू स्टूडियो में लॉन्च की गई थी चिरंजीवी अल्लू अरविंद नलामालूपू श्रीनिवास बुज्जी डॉक्टर वेंकटेश्वर राव डी रामा नायडू के राघवेंद्र राव नागा बाबू अली वी वी विनायक राना डगूभट्टी श्याम प्रसाद रेड्डी वक्कंथम वामसी ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई डी रामा नायडू ने औपचारिक पूजा की और चिरंजीवी ने ताली बजाई विनायक ने पहला शॉट निर्देशित किया जबकि श्याम प्रसाद रेड्डी ने कैमरा चालू किया निर्माताओं में से एक डॉक्टर वेंकटेश्वर राव ने कहा कि नियमित शूटिंग अल्लू अर्जुन की इदा रम मई लाथों के पूरा होने के बाद दिसंबर में शुरू होगी फिल्म के लॉन्च के दौरान यह बताया गया कि विजयन फिल्म में लड़ाई और रोमांच प्रदान करेंगे शुरुआत में इसमें मुख्य भूमिका के लिए सामंथा से संपर्क किया गया था लेकिन बाद में नायिका के रूप में श्रुति हासन को चुना गया जिसकी पुष्टि अभिनेत्री ने अपने ट्विटर पर की यह घोषणा की गई थी कि विजयदशमी रिलीज को लक्ष्य करते हुए नियमित शूटिंग दो मई दो हजार तेरह से शुरू होगी हालांकि कुछ देरी के कारण नियमित शूटिंग तेरह मई दो हजार तेरह से हैदराबाद में शुरू हुई हैदराबाद में पहला शेड्यूल पूरा करने के बाद टीम कुछ गानों सहित कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग के लिए नॉर्वे चली गई जिससे यह एक लंबा शेड्यूल बन गया उस समय बताया गया था कि किक और ओसार वैली में काम करने के बाद सुरेंद्र रेड्डी ने शाम को इसमें शामिल कर लिया था इस बीच नॉर्वे में शूटिंग पूरी होने के बाद यूनिट यूरोप के लिए रवाना हो गई स्विट्ज़रलैंड इटली जहां एक जुलाई 2013 में आठ दिनों की अवधि में दो गाने डिब्बा बंद किए जाने के बाद जिसके बाद नियमित शूटिंग हैदराबाद में जारी रहेगी हालांकि शूटिंग जिनेवा में फिर से शुरू हुई जो बाद में मिलान में जारी रही इस समय सलोनी को फिल्म में दूसरी नायिका के रूप में चुना गया था जो अल्लू अर्जुन और सुरेंद्र रेड्डी के साथ उनका पहला सहयोग था बाद में यूनिट हैदराबाद लौट आई और अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन ने अन्नपूर्णा स्टूडियो सात एकड़ में शूटिंग में भाग लिया वहाँ सिनेमा जो पिस्ता मावा गाना जॉनी मास्टर की कोरियोग्राफी में शूट किया गया था गाने की शूटिंग पूरी होने के बाद अल्लू अर्जुन ने एक फाइट सीन शूट में भाग लिया जिसे प्रसिद्ध फाइट मास्टर राम लक्ष्मण ने कोरियोग्राफ किया था सितंबर 2013 की शुरुआत में यह पुष्टि की गई कि भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को खलनायक के रूप में चुना गया था इस प्रकार यह फिल्म उनकी तेलुगु डेब्यू थी बाद में सितंबर में कुछ दृश्य अल्लू अर्जुन और अन्य पर हैदराबाद के गोलकुंडा किले में फिल्माए गए थे बाद में हैदराबाद और उसके आसपास कुछ लड़ाई के दृश्य फिल्माए गए जिनमें प्रमुख कलाकारों ने भाग लिया अट्ठाईस अक्टूबर दो की रात को अल्लू अर्जुन और शाम के बीच हैदराबाद के रामोजी फ़िल्म सिटी के हेलपैड जंक्शन में दृश्य फिल्माए गए नवंबर 2013 की शुरुआत में रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग जारी रही जहां कुछ कॉमेडी दृश्य भी फिल्माए गए 16 नवंबर 2013 से कुछ एक्शन सीक्वेंस डिब्बा बंद किए गए जिनमें अल्लू अर्जुन ने भाग लिया शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में जारी रही और यूनिट ने नौ उन्नीस नवम्बर दो से हैदराबाद के बाहरी इलाके में कुछ और लड़ाई दृश्यों की शूटिंग की शूटिंग जड़ चेरला में जारी रही जहां अल्लू अर्जुन ब्रह्मानंदम और कृष्ण पर दृश्य फिल्माए गए बाद में कुछ महत्वपूर्ण दृश्य हैदराबाद के चार मीनार क्षेत्र के पास फिल्माए गए वहाँ अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन का पीछा करने का दृश्य पूरा करने के बाद यूनिट ने एक बार फिर रामोजी फिल्म सिटी में अपनी शूटिंग जारी रखी तब तक सुरेंद्र रेड्डी ने खुलासा किया कि फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग पूरी हो चुकी थी 24 दिसंबर को यह घोषणा की गई कि फिल्म का टॉकी भाग पूरा हो गया और दो गानों की शूटिंग बाकी है जो 5 जनवरी 2014 से शुरू होने वाले नए शेड्यूल से शुरू होगी 5 जनवरी को नया शेड्यूल एक बार फिर रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शुरू हुआ जहाँ कुछ महत्वपूर्ण तो दृश्य और एक आइटम नंबर शूट किया जाएगा बताया गया कि आखिरी गाने की शूटिंग 20 से 25 जनवरी के बीच होने की बात कही गई थी जिसके साथ ही फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो जाएगी बाद में तेरह जनवरी दो हज़ार चौदह को अल्लू अर्जुन और कैरा दत्ता पर एक गाना शूट किया गया जिसमें थगुपोथू रमेश और श्रीनिवास रेड्डी ने भी हिस्सा लिया कहा जाता है कि यह फिल्म में अल्लू अर्जुन का परिचय गीत था जिसे दिनेश मास्टर ने संगीतबद्ध किया था पंद्रह फरवरी से अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन पर एक गाना शूट करने की योजना बनाई गई थी हालांकि चूंकि उनकी सर्जरी हुई थी इसलिए गाने का फिल्मांकन सत्रह फरवरी को स्थानांतरित कर दिया गया था फरवरी 2014 में यह बताया गया कि अनुभवी कन्नड़ और तेलुगु अभिनेत्री पवित्रा लोकेश इस फिल्म में अल्लू अर्जुन की मां की भूमिका निभा रही है इस बीच बीस फरवरी को श्रुति हासन ने घोषणा की कि उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है गाने की शूटिंग बाईस फरवरी दो को समाप्त हो गई और इस तरह फिल्म की शूटिंग समाप्त हो गई मार्च 2014 के मध्य में यह बताया गया कि ब्रह्मानंदम इस फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे आई ए एन एस को दिए गए एक साक्षात्कार में ब्रह्मानंदम ने बताया कि वह और अल्लू अर्जुन पुलिस विभाग में साझेदार की भूमिका निभाते हैं उन्होंने कहा मैं फिल्म में उनके सहायक की भूमिका निभा रहा हूँ और अर्जुन हमारे बीच के दृश्य हंसी मजाक के बीच हैं मैं इस किरदार से बेहद खुश हूँ क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो मैंने लंबे समय से नहीं निभाया है मुझे यकीन है कि दर्शकों को यह देखना पसंद आएगा हम स्क्रीन पर एक साथ हैं सुनील ने फिल्म के लिए आवाज़ दी पोस्ट प्रोडक्शन शूटिंग के अंतिम चरण के दौरान पोस्ट प्रोडक्शन गतिविधियां शुरू हुई और मार्च के अंत तक यह बताया गया कि फ़िल्म की पोस्ट प्रोडक्शन गतिविधियाँ चेन्नई बी टू एस स्टूडियो में पूरे जोरों पर हैं उनतीस मार्च को यह बताया गया कि थमन ने फिल्म के पहले भाग की पुनः रिकॉर्डिंग का काम पूरा कर लिया है और दूसरे बाग की पुनः रिकॉर्डिंग का काम प्रगति पर है साथ ही यह भी बताया गया कि फिल्म की यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही है कि फिल्म का पहला कट इकतीस मार्च तक तैयार हो जाए ऐसा कहा गया था कि जैसे ही गतिविधियाँ समाप्त हो जाएगी फिल्म की पहली प्रति सेंसर प्रमाणन के लिए प्रदर्शित की जाएगी चार अप्रैल दो हज़ार चौदह को फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा यू ए प्रमाण पत्र दिया जाएगा फिल्म की लंबाई एक सौ तिरसठ मिनट थी फिल्म की अंतिम प्रति चार अप्रैल दो हजार चौदह को तैयार हो गई थी संगीत मुख्य लेख रेस कुर्रम साउंड ट्रैक एस्थमन ने इस फिल्म के लिए संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया जो अल्लू अर्जुन के साथ उनका पहला सहयोग और सुरेंद्र रेड्डी के साथ दूसरा सहयोग है जनवरी 2014 में लहरी म्यूज़िक ने ऑडियो अधिकार पचहत्तर लाख यूएस बस डॉलर चौरानवे हज़ार की राशि में ख़रीदे बाद में मार्च 2014 की शुरुआत में थमन ने पुष्टि की कि फ़िल्म का ऑडियो 16 मार्च को हैदराबाद में लॉन्च किया जाएगा फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम सोलह मार्च दो को हैदराबाद के पार्क हयात होटल में एक साधारण और औपचारिक प्रचार कार्यक्रम में जारी किया गया था ऑडियो को हर तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई मशहूर हस्तियों ने थमन की उनके काम के लिए प्रशंसा की साउंड ट्रैक ने मन मान कराटे और कोचा दहिया के साथ आई ट्यून्स में शीर्ष दस एल्बमों में से एक के रूप में शुरुआत की मार्केटिंग फिल्म का पहला लुक सात दिसंबर दो हज़ार तेरह को जारी किया गया था टीज़र ट्रेलर उसी दिन सुबह दस बजे सुरेंद्र रेड्डी के जन्मदिन के अवसर पर यूट्यूब पर जारी किया गया था टीज़र तीस सेकंड का था जिसमें अल्लू अर्जुन काले शर्ट और काले पतलून में काले चश्मे के साथ दौड़ते हैं टीज़र को अर्जुन के प्रशंसकों के साथ साथ आम दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली अल्लू अर्जुन और श्रुति आसन की तस्वीर वायरल हो गई पार्क हयात में एक सादे समारोह में संगीत लॉन्च होने से पहले यह बताया गया था कि निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज से पहले एक बड़ा धूमधाम कार्यक्रम आयोजित करने का विकल्प चुना था ऑडियो के बाजार में जारी होने के बाद यह बताया गया कि फिल्म का नाटकीय ट्रेलर 22 मार्च 2014 को राजमुंदरी में आयोजित एक समारोह में लॉन्च किया जाएगा इस स्थल की पुष्टि 21 मार्च 2014 को जी कॉलेज e. युवा उत्सव के रूप में की गई थी राजमुंदरी में ट्रेलर को हर तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली यह बताया गया कि निर्माताओं ने आदित्य प्रकाश आधारित स्टैंडिज का ऑर्डर दिया जिसमें अल्लू अर्जुन का नृत्य चित्र था और इनमें से प्रत्येक स्टैंडीज की कीमत लगभग दस हज़ार थी ऐसा कहा गया था कि निर्माता ने लगभग बीस पचास स्टैंडीज़ का ऑर्डर दिया है और इसे सभी मल्टीप्लेक्स और महत्वपूर्ण सिंगल स्क्रीन में प्रमुखता से रखा रिलीज प्रारंभ में फिल्म को विजयदशमी रिलीज़ के रूप में योजनाबद्ध किया था तेरह अक्टूबर दो हज़ार तेरह हालांकि बाद में इसे महेश बाबू के एक नैनो कडाइन के साथ संक्रांति विशेष के रूप में ग्यारह जनवरी दो में स्थानांतरित कर दिया गया नवंबर 2013 के अंत में यह पुष्टि की गई कि फ़िल्म बारको साउंड्स द्वारा आर ओ ग्यारह पॉइंट एक ऑडियो फाइल प्रारूप का उपयोग करेगी इस प्रकार यह और टेक्नोलॉजीज़ की अगली पीढ़ी की तीन पर ध्वनि तकनीक को अपनाने वाली तीसरी तेलुगु फिल्म बन जाएगी जनवरी 2014 के अंत में यह बताया गया कि फ़िल्म 4 अप्रैल 2014 को दुनिया भर में रिलीज़ होगी फरवरी 2014 के मध्य में यह बताया गया कि फिल्म 11 अप्रैल 2014 को रिलीज़ होने की उम्मीद है लेकिन फरवरी 2014 के आखिरी दिन यह बताया गया कि यह फिल्म 28 मार्च 2014 को नंदमुरी बालकृष्ण की लेजेंड के साथ टकराव के साथ रिलीज़ होगी जो दुनिया भर में 28 मार्च 2014 को रिलीज़ होने वाली थी तेरह मार्च दो हज़ार चौदह को एफ आई सी यू एस इंक ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने फिल्म के पूरे विदेशी नाटकीय स्क्रीनिंग अधिकार खरीदे हैं राजमुंदरी में नाटकीय ट्रेलर लॉन्च के दौरान अल्लू अर्जुन ने पुष्टि की कि फिल्म 11 अप्रैल 2014 को रिलीज़ होगी होम मीडिया फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार सन टीवी नेटवर्क को बेच दिए गए फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 23 अक्टूबर 2014 को जैमिनी टीवी के माध्यम से हुआ स्वागत आलोचनात्मक स्वागत टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दी और कहा कि कुल मिलाकर यह आदर्श टॉलीवुड मसाला पैकेज है जो मनोरंजन भाईचारे के प्यार और ब्रह्मानंदम की सही खुराक से भरा हुआ है आप इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर सकते सिफ़ी ने फिल्म को पाँच में से तीन पॉइंट दो पाँच स्टार रेटिंग दी और कहा कि रेस गुर्रम दूसरे भाग में कॉमेडी की खुराक के साथ एक नियमित व्यावसायिक मनोरंजक फिल्म है अल्लू अर्जुन और किलबिल पांडे ने बाजी मार ली आइडल ब्रेन डॉट कॉम ने एक समीक्षा देते हुए कहा फिल्म के प्लस पॉइंट अल्लू अर्जुन ब्रह्मानंदम सिनेमाटोग्राफी दूसरे भाग की पटकथा सर्वागीण अभिविनस और उत्पादन मूल्य है वन इंडिया एंटरटेनमेंट ने एक समीक्षा देते हुए कहा रेस गुर्रम में मुख्य कलाकारों का, का उत्कृष्ट प्रदर्शन मनोरंजक वर्णन और समृद्ध उत्पादन मूल्य है लेकिन इसमें ताज़ा कथानक का अभाव है यह एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजन है और जो बड़े पैमाने पर दर्शकों को भी प्रभावित करेगा यह एक अवश्य देखे जाने वाली फिल्म है बनी और सुरेंद्र के प्रशंसक और फिल्म पाँच में से साढ़े तीन की रेटिंग दी इंडिया गेट्स ने एक समीक्षा देते हुए कहा रेस गुर्रम अपनी सभी शक्तिशाली कल्पनाओं के लिए पूरी तरह से अल्लू अर्जुन की फिल्म नहीं है हालांकि उनकी वीरता युवा दर्शकों को लुभाने के लिए पर्याप्त है लेकिन इसमें बहुत सारे पात्र और भाई संघर्ष जो कार्यवाही को दिलचस्प बनाए रखते हैं बॉक्स ऑफिस हरीश गुर्रम ने पहले दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छः पॉइंट आठ नौ करोड़ की कमाई की यह फ़िल्म यूएसए में एक मिलियन डॉलर कमाने वाली अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म बन गई फिल्म ने चार सप्ताह में चौवन पॉइंट इकतीस करोड़ की कमाई की यह अल्लू अर्जुन के लिए सबसे बड़ी हिट बन गई मलयालम डब संस्करण लक्की द रेसर को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा स्वागत मिला रेस गुर्रम ने एक सौ उनसठ केंद्रों में से पचास दिन पूरे किए और छब्बीस केंद्रों में सौ दिन पूरे किए अपने पूरे नाटकीय प्रदर्शन में रेस गुर्रम ने उनसठ पॉइंट चार करोड़ से अधिक वितरक हिस्सेदारी अर्जित की और दो हजार चौदह की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनकर उभरी अल्लू अर्जुन जन्म आठ अप्रैल उन्नीस सौ बयासी एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक अल्लू अर्जुन अपने नृत्य कौशल के लिए भी जाने जाते हैं वह एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार छः फिल्मफेयर पुरस्कार और तीन नंदी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है वह दो हज़ार चौदह से फॉबर्स इंडिया की सेलिब्रिटी सौ सूची में दिखाई दे रहे हैं उन्हें लोकप्रिय रूप से स्टाइलिश स्टार के रूप में जाना जाता है अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री से अपनी शुरुआत की वह सुकुमार की पंथ क्लासिक आर्य दो में अभिनय करके प्रमुखता से उभरे जिसके लिए उन्होंने नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता उन्होंने एक्शन फिल्मों बनी 2005 और देश मधुरू दो से अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पारुगु में अभिनय किया जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता अल्लू अर्जुन ने आर्य दो वेदम जुलई रेस गुर्रम एस ओ सत्यमूर्ति रुद्रमा देवी सर्रे नोडू जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया एक लापरवाह ट्वीट स्मार्ट आदमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए दो फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाए उन्होंने रुद्रमा देवी में राजकुमार गौनागन्ना रेड्डी के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता उन्हें पुष्पा राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उच्च प्रशंसा मिली और 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में भी उभरी और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाले तेलुगु फिल्मों में शुमार है अल्लू अर्जुन कई ब्रांडों और उत्पादों का समर्थन करते हैं और प्रो कबड्डी लीग और स्ट्रीमिंग सेवा आहा के लिए एक सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेस्डर हैं प्रारंभिक जीवन अल्लू अर्जुन का जन्म आठ अप्रैल उन्नीस सौ बयासी को मद्रास वर्तमान चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद और निर्मला के यहाँ हुआ था उनके दादा प्रसिद्ध फिल्म हास्य अभिनेता अल्लू राम लिंगैया थे जिन्होंने हज़ार से अधिक फिल्मों में काम किया उनका मूल स्थान आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले का पलाकोल्लू है अल्लू अर्जुन बीस की उम्र में अपने परिवार के हैदराबाद चले जाने से पहले चेन्नई में पले बड़े आजीविका तीन बच्चों में सबसे दूसरे नंबर पर है उनके बड़े भाई वेंकटेश एक बिजनेसमैन है जबकि उनके छोटे भाई श्रीश भी एक अभिनेता हैं उनकी मौसी अभिनेता चिरंजीवी की पत्नी सुरेखा कौन डेला है वह अभिनेता रामचरण के चचेरे भाई हैं आजीविका अधिक जानकारी अल्लू अर्जुन फिल्मोग्राफी करियर की शुरुआत उन्नीस से उन्नीस सौ से 2007 विजेता में एक बाल कलाकार के रूप में और डैडी 2001 में एक नर्तक के रूप में अभिनय करने के बाद उन्होंने गंगोत्री में अपने व्यस्क करियर की शुरुआत की फिल्म का निर्देशन के राघविंदर राव ने किया था और उनके पिता अल्लू अरविंद इसका निर्माण कर रहे थे साथ ही सी अश्वनी दत्त भी थे उनके अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एडल ब्रेन के जीवी ने फिल्म में उनके लुक की आलोचना की और कहा कि अर्जुन को ऐसी भूमिकाएं चुननी चाहिए जो उनकी ताकत को बढ़ाएं और उनकी कमजोरियों को खत्म करें इसके बाद उन्होंने बी बी विनायक की बनने में मुख्य भूमिका निभाई जो एक कॉलेज छात्र था बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के कारण आलोचकों ने उनके प्रयासों तौर तरीकों और नृत्य की प्रशंसा की उनकी अगली फिल्म ए करुणाकरण की संगीत में प्रेम कहानी हैप्पी थी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर विशेष रूप से विदेशी बाजारों में अच्छा प्रदर्शन किया एक आलोचक ने उनके नृत्य कौशल और प्रदर्शन की सराहना की लेकिन महसूस किया कि उनका चरित्र एक विशिष्ट कुशमिजाज आदमी है शैलियों का प्रयोग 2007 से 2010 इसके बाद उन्होंने पूरी जगन्नाथ की एक्शन फिल्म देश मधुरू में अभिनय किया जिसमें उन्होंने एक निडर पत्रकार बाला गोविंदम की भूमिका निभाई जो एक अंधेरे अतीत वाली महिला के प्यार में पड़ जाता है यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिससे उन्हें संतोषम फिल्म पुरस्कार सिनेमा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनका दूसरा नामांकन मिला उनकी अगली फिल्म भास्कर की परोगु थी जिसमें उन्होंने हैदराबाद के मिजाज आदमी कृष्णा की भूमिका निभाई जो अपने दोस्त को उसके प्यार के भाव साथ भागने में मदद करता है लेकिन उसे महिला के प्रता के क्रोध और भावनात्मक संघर्ष का अनुभव करना पड़ता है आइडर ब्रैन ने लिखा अल्लू अर्जुन पहले भाग में बहुत उत्कृष्ट हैं क्योंकि पहले भाग में चरित्र चित्रण जीवंत है और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है उन्होंने पूरे भाग को अपने कंधों पर उठाया उन्होंने दूसरे भाग में भावनात्मक दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया अल्लू अर्जुन ने अगली बार सुकुमार की एक्शन कॉमेडी आर्य टू में अभिनय किया रोमांटिक एक्शन फिल्म आर्य 2004 की आध्यात्मिक अगली कड़ी में उन्होंने एक अना आर्य की भूमिका निभाई जो व्यवहारिक रूप से बीमार है और वह अपने दोस्त अजय नवदीप के लिए स्वामित्व की भावना से ग्रस्त है जो उसे कभी स्वीकार नहीं करता या फिर प्रेम घृणा संबंधों और प्रेम त्रिकोण की जटिलताओं के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म में उनका किरदार पूरे रंग का था सिफी ने लिखा है कि अल्लू अर्जुन प्यार की शक्तिशाली धारा में फंसे व्यक्ति के रूप में ऊर्जा से भरपूर हैं हालांकि वह नकारात्मक रंगों के साथ भूमिका निभाते हैं लेकिन उनका चरित्र चित्रण दर्शकों से बहुत सहानुभूति पैदा कर सकता है उनके नृत्य मन मुताबिक हैं उड़ा रहा है और वे भावनात्मक दृश्यों में उत्कृष्ट हैं 2010 में उनकी दो रिलीज हुई पहली थी गुणशेखर की बरूडू जिसमें उन्होंने आर्य और भानुश्री मेहरा के साथ अभिनय किया फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज अत्यधिक प्रशंसित पर लिंक एंथोलॉजी फिल्म बेदम थी यह भारत में उनकी पहली ए रेटेड फिल्म थी और इसकी कहानी मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में छब्बीस ग्यारह के मुंबई विस्फोटों से प्रेरणा लेती है उन्होंने जुबली हिल्स हैदराबाद स्लम के रहने वाले केबल ऑपरेटर आनंद केबल राजू की भूमिका निभाई फिल्म में अनुष्का शेट्टी मांचू मनोज और मनोज वाजपेयी भी अन्य भूमिकाओं में हैं आगे की सफलता 2011 से 2013 हजार तेरह वह अगली बार बी वी विनायक की एक्शन फिल्म बद्रीनाथ 2011 में दिखाई दी है जिसमें उन्होंने बद्री की भूमिका निभाई जो एक आधुनिक भारतीय समुराई है जिसे उसके गुरु प्रकाश राज द्वारा बद्रीनाथ मंदिर की रक्षा करने का काम सौंपा गया है जिसके प्रति वह बहुत वफादार हैं अल्लू अर्जुन ने वियतनाम में गैन मार्शल आर्ट और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया और तमन्ना के साथ उनकी पहली जोड़ी है फिल्म में एक योद्धा की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने अपने बाल बढ़ाए ग्राफिक एक्शन हिंसा के कारण वेदम दो के बाद यह भारत में उनकी दूसरी एरेटेड फिल्म है फिल्म ने एक सौ सत्तासी सिनेमाघरों में पचास दिन का प्रदर्शन पूरा किया उनके प्रदर्शन और चरित्र को मिश्रित समीक्षाएं मिली टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने लिखा है कि अर्जुन के पास शायद ही भावनाओं को व्यक्त करने की कोई गुंजाइश है क्योंकि उन्हें ज्यादातर एक्शन दृश्य और गाने की दृश्यों में धकेल दिया गया था बद्रीनाथ के बाद उन्होंने 2011 में त्रिविक्रम श्रीनिवास की एक्शन कॉमेडी फिल्म जुलाई पर हस्ताक्षर किए यह 2012 में रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने रविंद्र नारायण की भूमिका निभाई थी जो एक स्ट्रीट स्मार्ट लेकिन बिगड़ाल बच्चा था जिसके जीवन में उसके बाद एक बड़ा बदलाव आता है एक बड़ी बैंक डकैती का गवाह एक आलोचक ने लिखा है कि अल्लू अर्जुन ने प्यारे बदमाश के रूप में आत्मविश्वास पूर्ण प्रदर्शन किया है एक ऐसी भूमिका है जो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है और वह इसे एक विशिष्ट तनाचे के साथ निभाते हैं वे विशेष रूप से अपने नृत्य के साथ स्क्रीन को रोशन करते हैं कुछ को खींचते हैं काफ़ी चुनौतीपूर्ण डांस मूव्स इदारमई लाथो दो हजार तेरह के सेट पर अल्लू अर्जुन अगले वर्ष उन्होंने पूरी जगन्नाथ की एक्शन थ्रिलर इदार रम मई लाथो में अभिनय किया जिसमें उन्होंने हमला पॉल और कैथरीन ट्रेसा के साथ एक अंधेरे अतीत वाले गिटार वादक संजू रेड्डी की भूमिका निभाई द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने फिल्म के विभिन्न गानों में एक्शन दृश्य और डांस मूव्स में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की उन्होंने कहा अल्लू अर्जुन नित्य हर्स्टेंट एपिसोड में अपने लाभ के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हैं एक अन्य आलोचक ने लिखा है कि अपने स्टाइलिश स्टार के टैग के अनुरूप अल्लू अर्जुन पहले से कहीं अधिक ट्रेंडी दिखते हैं एक किटार वादक का उनका किरदार जो बर्सी में एक स्ट्रीट परफॉर्मर है अपने सबसे अच्छे रूप में था और पूरी तरह से अलग दिखता है अपनी पिछली फिल्मों से उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वह एक अच्छे अभिनेता हैं और शायद एक्शन निर्देशक की सावधानीपूर्वक योजना के कारण वह सभी लड़ाई दृश्यों में सही अभिव्यक्ति करते हैं यह फिल्म देश मधुरों के पूरी जगन्नाथ के साथ उनका दूसरा और आखिरी सहयोग है व्यावसायिक सफलता 2014 से 2018 2014 में चौदह में वामसी पेड़ी पल्ली की एक्शन थ्रिलर फिल्म येवाड़ू में काजल अग्रवाल के साथ एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने अपनी समीक्षा में लिखा है कि अल्लू अर्जुन दिखाते हैं कि एक अभिनेता एक छोटी भूमिका में भी क्या कर सकता है कुछ ही मिनटों में वह अपने अनुभव को समेटते हैं चरित्र को आंतरिक बनाते हैं और एक बेहतरीन किरदार बनाते हैं अपनी पहचान खो देने के बाद भी प्रभावशाली निकास उनकी अगली फिल्म सुरिंदर रेड्डी की रेस गुर्रम थी जिसमें उन्होंने एक लापरवाह व्यक्ति अल्लू लक्ष्मण लक्की प्रसाद की भूमिका निभाई वह मई दो में फिल्म के निर्माण में शामिल हुए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही साथ ही यह फिल्म अल्लू की पहली सौ करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई डक्कन क्रॉनिकल को लिखते हुए सुरेश कबीरिया ने महसूस किया कि अल्लू अर्जुन ने अपने ऊर्जावान प्रदर्शन से शो को चुरा लिया और फिल्म में उनके नृत्य कौशल की भी प्रशंसा की रंजनी राजेंद्र ने भी उनके नृत्य हास्य अभिनय और एक्शन दृश्यों में प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन उन्हें लगा कि कहानी पूर्वानुमित और नियमित है अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना तीसरा फेयर पुरस्कार जीता और जुलाई के बाद दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एस आई आई एम में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अल्लू अर्जुन ने एक लघु फिल्म आई एम दैट चेंज का निर्माण और अभिनय किया जो अगस्त 2014 में रिलीज़ हुई थी फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया था व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रिलीज होने पर लघु फिल्म को ऑनलाइन वायरल प्रतिक्रिया मिली और इसकी अवधारणा और निष्पादन के लिए मशहूर हस्तियों सहित कई लोगों ने इसकी सराहना की इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया अल्लू अर्जुन अगली बार त्रिविक्रम श्रीनिवास की एस ओ सत्यमूर्ति दो में दिखाई है, जो नौ अप्रैल दो को रिलीज हुई थी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सातवां नामांकन दिलाया फिल्म के बाद उन्होंने गुणशेखर शेखर की जीवनी एक्शन फिल्म रुद्रमा देवी 2015 में गोना गन्ना रेड्डी की भूमिका निभाई बेहतर स्रोत की आवश्यकता रुद्रमा देवी के जीवन पर आधारित यह फिल्म पहली भारतीय थ्री डी ऐतिहासिक फिल्म है फिल्म में किरदार के लिए उन्होंने तेलंगाना तेलुगु भाषा सीखी है और इसे बोलते हुए देखा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके प्रदर्शन को त्रुटिहीन और सीटी योग्य कहा चरित्र गौना गौनागन्ना रेड्डी के लिए व्यापक प्रतिक्रिया और लोकप्रियता के कारण 2021 में निर्देशक गुणाशेखर ने कहा कि वह शकुंतलम के बाद पूरी तरह से चरित्र पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में होंगे रुद्रमा देवी के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों जीतने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए तीन अन्य पुरस्कार भी जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी शामिल है, है। अल्लू अर्जुन 2018 में विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम के एक प्रचार कार्यक्रम में 2016 में उन्होंने बोयापति श्रेनू द्वारा निर्देशित सरे नोडो में अभिनय किया हालांकि फिल्म को पटकथा और कहानी के नकारात्मक समीक्षा मिली यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने एक करोड़ से अधिक की कमाई की अल्लू अर्जुन ने इसे अपने करियर की एक ऐतिहासिक फिल्म कहा एक्शन दृश्यों और डांस नंबरों में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फ़िल्म फेयर पुरस्कार दिलाया इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनका आठवां नामांकन भी हुआ उसी वर्ष जून में उन्होंने तीसरी बार निर्माता दिलराजू के साथ डीजे जे दुब्बादा के लिए अपनी अगली फिल्म की घोषणा की 2017 में रिलीज़ हुई हरी शंकर द्वारा निर्देशित फिल्म जिसमें उन्होंने पूजा हेगड़े राव रमेश और सुब्बा राजू के साथ दोबारा जगनादम डी जे शास्त्री की भूमिका निभाई वह एक कैटरर के रूप में दिखाई देता है जो एक गुप्त पुलिस वाला है फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने उनके नृत्य की प्रशंसा की और लिखा कि सीती मार और अस्वाई का योग में अल्लू अर्जुन की उत्तम चालों से परे देखें आपको बस एक कहानी मिलेगी जो अपनी लय खोजने के लिए संघर्ष करती है इंडिया टुडे ने भी उनके नृत्य की सराहना की लेकिन फिल्म की पटकथा की आलोचना की और इसे बोरिंग बोर आसिया बोर, बोर ओविया कहा अगले साल मई में लेखक से निर्देशक बने वकंथम वामसी के निर्देशन में उनकी फिल्म न पेरू सूर्या न इल्लू इंडिया रिलीज हुई उन्होंने भारतीय सेना के एक सिपाही सूर्या की भूमिका निभाई जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है अल्लू अर्जुन ने पेशेवरों से ट्रिक्स और स्टंट सीक्वेंस सीखने में काफ़ी समय बिताया खासकर डांस नंबर और एक्शन सीक्वेंस के लिए रिलीज होने पर फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही एक आलोचक ने उनके प्रदर्शन को अल्लू अर्जुन का करियर सर्वश्रेष्ठ का और इसे फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया अला वैकंठपुरु और उससे आगे दो से मौजूदा दिसंबर 2018 में उनके अगले प्रोजेक्ट अला वैकंटपुरुमुलू की घोषणा की गई जिसके निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास थे पूजा हेगड़े को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए चुना गया इस तरह डी जे जो दुब्वादा जगनादम के बाद हेगड़े के साथ उनका दूसरा सहयोग शुरू हुआ वह अप्रैल 2019 में फिल्म के निर्माण में शामिल हुए अल्लू अरविंद और एस कृष्ण द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित यह फिल्म जुलाई 2012 और एस ओ सत्यमूर्ति के बाद अल्लू अर्जुन और तीर विक्रम के तीसरे सहयोग का प्रतीक है फिल्म जनवरी 2020 में रिलीज़ हुई थी अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाएं मिली रोहित मोहन द्वारा कोई मोई पर पोस्ट की गई एक समीक्षा में कहा गया है कि चाहे वह कॉमेडी हो एक्शन हो भावनाएं हो शैली हो निश्चित रूप से नृत्य हो स्टार अभिनेता ने इसे फिल्म में बखूबी निभाया है जैसे बनी ने अपने अभिनय के दर्शकों को अपनी धुनों पर थिरकने पर मजबूर कर दिया फिल्म कंपेनियन को लगा कि बोर्ड रूम दृश्य में अल्लू अर्जुन का प्रदर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण था इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की भावना शर्मा ने कहा कि अल्लू अर्जुन अपने किरदार में पूरी तरह से घुस गए थे यह फिल्म उनके करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है बुट्टा बोमा गाने में अल्लू अर्जुन के नृत्य प्रदर्शन को व्यापक प्रतिक्रिया मिली 2021 में वह पुष्पा दराइस के लिए लगभग एक दशक के बाद सुकुमार के साथ फिर से जुड़े यह फिल्म आंध्र प्रदेश के शेष चलम पहाड़ियों में लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है और अल्लू अर्जुन ने फैद फासिल और रश्मिका मंदाना के सात से तस्कर बने राज की भूमिका निभाई फिल्म दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी लेकिन इसे मिली जुली समीक्षा की प्रशंसा की गई कार्य और मीडिया छवि उनकी लोकप्रियता दो तेलुगु संगीत वीडियो में दर्ज की गई थी पहला एक रैप गीत है जिसे एस तमन द्वारा संगीतबद्ध किया गया है और रोल निधा और हरिका नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया है और गीत रोल रिदा और द हैदराबाद नवाब्स द्वारा लिखे गए हैं अल्लू अर्जुन रैप सॉन्ग नामक संगीत वीडियो जनवरी 2021 में आदित्य म्यूजिक लेबल के माध्यम से जारी किया गया था अल्लू अर्जुन को जे क्यू में 2020 के सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों की सूची में शामिल किया गया था वह याहू पर 2020 में सर्वाधिक खोजे जाने वाले पुरुष सेलिब्रिटी हैं मीडिया में उन्हें आइकन स्टार या बनी कहा जाता है केरल में उनकी फिल्मों की लगातार सफलता के बाद आर दो हज़ार चार के बाद से उन्हें मल्लू अर्जुन कहा जाने लगा मैं हूँ लक्की दरेसर दो हज़ार चौदह की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और नल्ला मालूपू श्रीनिवास द्वारा उनके बैनर श्री लक्ष्मी नरसिम्हा प्रोडक्शंस के तहत निर्मित है फिल्म में अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन हैं, जबकि श्याम और रवि किशन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं अस्थमन ने संगीत तैयार किया छायांकन और संपादन क्रमशः मनोज परमहंस और गौतम राजू द्वारा तैयार किया गया था मुख्य फोटोग्राफी तेरह मई दो को हैदराबाद में शुरू हुई और पूरी शूटिंग 22 फरवरी 2014 को पूरी हुई फिल्म सकारात्मक समीक्षा के साथ 11 अप्रैल 2014 को दुनिया भर में रिलीज हुई यह फिल्म अल्लू अर्जुन की 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाली पहली फिल्म थी वितरक के हिस्सेदारी उनसठ करोड़ के साथ यह फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनकर उभरी इसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किए कथानक राम प्रसाद और लक्ष्मण लकी प्रसाद भाई के और एक दूसरे के विरोधी हैं जहां पहला एक सम्मानीय एस है वहीं दूसरा एक बेरोजगार खुश मिजाज आदमी है जिसका अपने भाई के साथ लगातार मतभेद रहता है मधाली रेड्डी एक भाड़े के व्यक्ति से राजनेता बने हैं है। वह पुलिस अधिकारियों के एक दस्ते को बंदूक की नोक पर रखता है और उनमें से एक राजीव को बाकी अधिकारियों की जान बचाने के लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर एसपी समीर जो राम का सबसे अच्छा दोस्त भी है को मारने के लिए मजबूर करता है राम आगामी चुनावों में शिवा रेड्डी की भागीदारी को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं एक दिन लकी की मुलाकात लिफ्ट में भीम प्रकाश की बेटी संपंदना से होती है उसने नोटिस किया कि वह किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया नहीं करती है चाहे कुछ भी हो जाए बिना प्रतिक्रिया किए अपने तथ्य पर वही अभिव्यक्ति बनाए रखती है जब वह बैंक डकैती के दौरान बंदूक से धमकाए जाने के बाद भी डरी हुई दिखने से इनकार करती है तो लकी उससे पूछता है कि वह ऐसी क्यों है स्पंदना का कहना है कि वह सभी भावनाओं को अंदर महसूस करती है उनके पिता भीम प्रकाश ने उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाया लकी जैसे स्पंदना से प्यार हो गया है वह इसे बकवास कहता है और उसमें बदलाव लाने की कसम खाता है लकी से नियमित रूप से मिलने के बाद वह अपनी भावनाओं को दिखाना और उसके प्यार का बदला लेना सिखाती है राम को लकी के रिश्ते के बारे में पता चलता है और भाव प्रकाश को बताता है कि उसकी बेटी पिछली शरारत का बदला लेने के लिए एक हंसी और बिगड़ेल आदमी के साथ घूम रही है प्रकाश तुरंत लकी को नापसंद करता है और उससे कहता है कि वह उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकता लकी और राम के बीच गंभीर लड़ाई होती है जहाँ लकी को उसकी माँ पहली बार थप्पड़ मारती है भयभीत और क्रोधित होकर उसने राम की जीप चुरा ली जिसमें राम उन फाइलों को ले जा रहा था जिनमें शिवा रेड्डी को कई अपराधों में दोषी ठहराया गया था इसके बाद लक्की पर शिवा रेड्डी के आदमियों द्वारा हमला किया जाता है जो गलती से उसे राम समझ लेते हैं और जीप फाइलों सहित आग की लपटों में जल जाती है लक्की गुंडों की पिटाई करता है जो उसे बताने कि कोशिश करते हैं कि वह राम की हत्या की योजना बना रहे थे यह सुनकर लक्की क्रोधित हो जाता है वह शिवा रेड्डी का अपहरण कर लेता है और उसे एक पेड़ से उल्टा बांध कर पीट पीट कर बेहोश कर देता है शिवा रेड्डी अस्पताल में भर्ती है इसके बाद लक्की शिवा रेड्डी के पिता पेद्दी रेड्डी से मिलता है और अपनी बात कबूल करता है वह इस बारे में बात करता है कि कैसे वह अपने भाई से नफरत करता था लेकिन अब उसे एहसास हुआ है कि वह अपने भाई से बहुत प्यार करता है यही वजह है कि उसने इस तरह से प्रतिक्रिया दी जब शिवा रेड्डी कोमा से उठता है तो पेड़ी रेड्डी उसे अपने अवसर की प्रतीक्षा करने और लकी से बदला लेने के लिए प्रेरित करता है लक्की ने राम को श्वेता से फिर से मिलने का फैसला किया जिससे वह प्यार करता था ताकि राम खुश हो जाए और उसकी प्रेम कहानी में हस्तक्षेप ना करे कुछ मज़ेदार मोड़ों के बाद उसकी योजना काम करती है ठीक होने और विधायक चुने जाने के बाद शिवा रेड्डी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है लकी और उसके परिवार से बदला लेना शुरू कर देता है उसने एक महिला को यह दावा करने के लिए भुगतान करके राम को निलंबित कर दिया कि राम ने उसका यौन उत्पीड़न किया था और सरकार ने परिवार के घर को यह दावा करते हुए ध्वस्त कर दिया कि वह वैध रूप से बनाया गया था तब राम को सूचित किया जाता है कि लकी ने ही उसकी जीप चुराई थी राम गुस्से में है और लकी को उसकी गलती के लिए डांटने के बाद परिवार से बाहर निकाल देता है शिवा रेड्डी द्वारा लकी का अपहरण कर लिया जाता है जो उसे बेरहमी से पीटता है और उसे उसी पेड़ से लटका देता है जिस पर लकी ने उसे लटकाया था लकी भाग जाता है और गृह मंत्री गोवर्धन की मदद से बदला लेने की योजना बनाता है जो विधायक से मंत्री बनने के लिए लक्की का आभारी है लक्की ने गोवर्धन को यह कहकर मूर्ख बनाया कि वह कैंसर से पीड़ित है और उसके पास जीने के लिए केवल दो दिन हैं। गोवर्धन का कहना है कि वह लक्की की कोई भी इच्छा पूरी करेगा और लक्की एक विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का अनुरोध करता है और गोवर्धन से लक्की के जीवित रहने के लिए बारह घंटे का एकांत अनुष्ठान करने के लिए कहता है गोर्धन सहमत है लकी पुलिस अधिकारियों की एक टीम का प्रभारी है जिसमें किल बिल पांडे भी शामिल है एक निराश पुलिस अधिकारी जो नेतृत्व करता है और लकी को शिव रेड्डी की संपत्तियों को नष्ट करने में मदद करता है यह नहीं जानते हुए कि लकी एक नकली पुलिस अधिकारी है लकी ने शिवा रेड्डी को उसकी फैक्ट्रियों की सूची लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से किल बिल भेजा इस बहाने से कि उन्हें पता चल जाएगा कि किन फैक्ट्रियों पर छापा नहीं मारना है सूची और मीडिया का उपयोग करते हुए विशेष बल की टीम आक्रमण करती है और शिवा रेड्डी के अवैध कार्यों का पर्दाफाश करती है गोवर्धन की प्रार्थना समाप्त होती है और सीएम द्वारा उसे उसकी गलती के लिए डांटने के बाद गोवर्धन राम से मदद मांगता है लकी लड़ता है और शिवा रेड्डी को हरा देता है लेकिन जब वह उसे पकड़ लेता है तो राम प्रकट होता है और लकी को पकड़ लेता है गोवर्धन और सीमा सीएम लक्की को उसके गैरकानूनी कार्यों और उन्हें अपमानित करने के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी देना चाहते हैं लेकिन राम उन्हें बताता है कि लोग उस व्यक्ति को मारना पसंद नहीं करेंगे जिसने शिवा रेड्डी को उजागर किया था उन्होंने खुलासा किया कि जनता अगले चुनाव में उसी सरकार को फिर से चुनने की योजना बना रही थी लकी इस अवसर का उपयोग करता है और सीएम और गोवर्धन को इस विशेष बल टीम को जारी रखने और अपने भाई जैसे पुलिस अधिकारियों को पूरी शक्तियाँ देने के लिए ब्लैकमेल करता है उन्होंने शिवा रेड्डी को जाने दिया लेकिन राजीव ने उसे गोली मार दी लक्की और राम अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से मिलते हैं गोलकुंडा किला जहाँ अल्लू अर्जुन और अन्य पर कुछ दृश्य फिल्माए गए थे सितंबर 2012 की शुरुआत में यह बताया गया था कि सुरेंद्र रेड्डी इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को निर्देशित करेंगे जिसे नला मालूपू बुजी द्वारा निर्मित करने की घोषणा की गई थी अक्टूबर 2012 के अंत में इसका नाम रेस गुर्रम रखा गया सुरेंद्र रेड्डी और एस्थमन के साथ अल्लू अर्जुन की यह पहली फिल्म थी यह फिल्म 24 अक्टूबर 2012 को विजयदशमी के दिन हैदराबाद के रामा नायडू स्टूडियो में लॉन्च की गई थी चिरंजीवी अल्लू अरविंद नला मालूपू श्रीनिवास बुज्जी डॉक्टर वेंकटेश्वर राव डी रामा के राघवेंद्र राव नागा बाबू अली वी वी विनायक राना डगू भट्टी श्याम प्रसाद रेड्डी वक्कंथम वामसी ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई डी रामा नायडू ने औपचारिक पूजा की और चिरंजीवी ने ताली बजाई वी वी विनायक ने पहला शॉट निर्देशित किया जबकि श्याम प्रसाद रेड्डी ने कैमरा चालू किया निर्माताओं में से एक डॉक्टर वेंकटेश्वर राव ने कहा कि नियमित शूटिंग अल्लू अर्जुन की हदा रम मई लाथों के पूरा होने के बाद दिसंबर में शुरू होगी फिल्म के लॉन्च के दौरान यह बताया गया कि विजयन फिल्म में लड़ाई और रोमांच प्रदान करेंगे शुरुआत में इसमें मुख्य भूमिका के लिए सामंथा से संपर्क किया गया था लेकिन बाद में नायिका के रूप में श्रुति हासन को चुना गया जिसकी पुष्टि अभिनेत्री ने अपने ट्विटर पर की यह घोषणा की गई थी कि विजयादशमी रिलीज को लक्ष्य करते हुए नियमित शूटिंग दो मई दो हज़ार तेरह से शुरू होगी हालांकि कुछ देरी के कारण नियमित शूटिंग तेरह मई दो हज़ार तेरह से हैदराबाद में शुरू हुई हैदराबाद में पहला शेड्यूल पूरा करने के बाद टीम कुछ गानों सहित कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग के लिए नॉर्वे चली गई जिससे यह एक लंबा शेड्यूल बन गया उस समय बताया गया था कि किक और ओसार वैली में काम करने के बाद सुरेंद्र रेड्डी ने शाम को इसमें शामिल कर लिया था इस बीच नॉर्वे में, में शूटिंग पूरी होने के बाद यूनिट यूरोप के लिए रवाना हो गई स्विट्ज़रलैंड इटली जहां 1 जुलाई 2013 में आठ दिनों की अवधि में दो गाने डिब्बा बंद किए जाने के बाद जिसके बाद नियमित शूटिंग हैदराबाद में जारी रहेगी हालांकि शूटिंग जनेवा में फिर से शुरू हुई जो बाद में मिलान में जारी रही इस समय सलोनी को फिल्म में दूसरी नायिका के रूप में चुना गया था जो अल्लू अर्जुन और सुरेंदर रेड्डी के साथ उनका पहला सहयोग था बाद में यूनिट हैदराबाद लौट आई और अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन ने अन्नपूर्णा स्टूडियो सात एकड़ में शूटिंग में भाग लिया वहाँ सिनेमा चो पिस्ता मावा गाना जॉनी मास्टर की कोरियोग्राफी में शूट किया गया था गाने की शूटिंग पूरी होने के बाद अल्लू अर्जुन ने एक फाइट सीन शूट में भाग लिया जिसे प्रसिद्ध फाइट मास्टर राम लक्ष्मण ने कोरियोग्राफ किया था सितंबर 2013 की शुरुआत में यह पुष्टि की गई कि भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को खलनायक के रूप में चुना गया था इस प्रकार यह फिल्म उनकी तेलुगु डेब्यू थी बाद में सितंबर में कुछ दृश्य अल्लू अर्जुन और अन्य पर हैदराबाद के गोलकुंडा किले में फिल्माए गए थे बाद में हैदराबाद और उसके आसपास कुछ लड़ाई के दृश्य फिल्माए गए जिनमें प्रमुख कलाकारों ने भाग लिया अट्ठाईस अक्टूबर दो हज़ार तेरह की रात को अल्लू अर्जुन और शाम के बीच हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी के हेलपैड जंक्शन में दृश्य फिल्माए गए नवंबर 2013 की शुरुआत में रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग जारी रही जहां कुछ कॉमेडी दृश्य भी फिल्माए गए 16 नवंबर 2013 से कुछ एक्शन सीक्वेंस डिब्बा बंद किए गए जिनमें अल्लू अर्जुन ने भाग लिया शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में जारी रही और यूनिट ने नौ उन्नीस नवंबर दो हज़ार तेरह से हैदराबाद के बाहरी इलाके में कुछ और लड़ाई दृश्यों की शूटिंग की शूटिंग चेरला में जारी रही जहां अल्लू अर्जुन ब्रह्मानंदम और कृष्ण पर दृश्य फिल्माए गए बाद में कुछ महत्वपूर्ण दृश्य हैदराबाद के चार मीनार क्षेत्र के पास फिल्माए गए वहाँ अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन का पीछा करने का दृश्य पूरा करने के बाद यूनिट ने एक बार फिर रामौजी फिल्म सिटी में अपनी शूटिंग जारी रखी तब तक सुरेंद्र रेड्डी ने खुलासा किया कि फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग पूरी हो चुकी थी चौबीस दिसंबर को यह घोषणा की गई कि फिल्म का टॉकी भाग पूरा हो गया और दो गानों की शूटिंग बाकी है जो पाँच जनवरी दो हज़ार चौदह से शुरू होने वाले नए शेड्यूल से शुरू होगी पाँच जनवरी को नया शेड्यूल एक बार फिर रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शुरू हुआ जहाँ कुछ महत्वपूर्ण दृश्य और एक आइटम नंबर शूट किया जाएगा बताया गया कि आखिरी गाने की शूटिंग 20 से 25 जनवरी के बीच होने की बात कही गई थी जिसके साथ ही फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो जाएगी बाद में 13 जनवरी 2014 को अल्लू अर्जुन और कैरा दत्ता पर एक गाना शूट किया गया जिसमें थगु बोथू रमेश और श्रीनिवास रेड्डी ने भी हिस्सा लिया कहा जाता है कि यह फिल्म में अल्लू अर्जुन का परिचय गीत था जिसे दिनेश मास्टर ने संगीतबद्ध किया था पंद्रह फरवरी से अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन पर एक गाना शूट करने की योजना बनाई गई थी हालांकि चूंकि उनकी सर्जरी हुई थी इसलिए गाने का फिल्मांकन सत्रह फरवरी को स्थानांतरित कर दिया गया था फरवरी दो हज़ार चौदह में यह बताया गया कि अनुभवी कन्नड़ और तेलुगु अभिनेत्री पवित्रा लोकेश इस फिल्म में अल्लू अर्जुन की माँ की भूमिका निभा रही है इस बीच बीस फरवरी को श्रुति हासन ने घोषणा की कि उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है गाने की शूटिंग 22 फरवरी 2014 को समाप्त हो गई और इस तरह फिल्म की शूटिंग समाप्त हो गई मार्च 2014 के मध्य में यह बताया गया कि ब्रह्मानंदम इस फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे आई ए एन एस को दिए गए एक साक्षात्कार में ब्रह्मानंदम ने बताया कि वह और अल्लू अर्जुन पुलिस विभाग में साझेदार की भूमिका निभाते हैं उन्होंने कहा मैं फिल्म में उनके सहायक की भूमिका निभा रहा हूँ और अर्जुन हमारे बीच के दृश्य हंसी मजाक के बीच हैं मैं इस किरदार से बेहद खुश हूँ क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो मैंने लंबे समय से नहीं निभाया है मुझे यकीन है कि दर्शकों को यह देखना पसंद आएगा हम स्क्रीन पर एक साथ हैं सुनील ने फिल्म के लिए आवाज़ दी पोस्ट प्रोडक्शन शूटिंग के अंतिम चरण के दौरान पोस्ट प्रोडक्शन गतिविधियां शुरू हुई और मार्च के अंत तक यह बताया गया कि फ़िल्म की पोस्ट प्रोडक्शन गतिविधियां चेन्नई बी टू ऐसे स्टूडियो में पूरे जोरों पर हैं उनतीस मार्च को यह बताया गया कि थमन ने फिल्म के पहले भाग की पुनः रिकॉर्डिंग का काम पूरा कर लिया है और दूसरे भाग की पुनः रिकॉर्डिंग का काम प्रगति पर है साथ ही यह भी बताया गया कि फिल्म की यूनिट यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही है कि फिल्म का पहला कट 31 मार्च तक तैयार हो जाए ऐसा कहा गया था कि जैसे ही गतिविधियाँ समाप्त हो जाएगी फिल्म की पहली प्रति सेंसर प्रमाणन के लिए प्रदर्शित की जाएगी 4 अप्रैल 2014 को फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा यू ए प्रमाण पत्र दिया जाएगा फिल्म की लंबाई एक मिनट थी फिल्म की अंतिम प्रति चार अप्रैल दो को तैयार हो गई थी संगीत मुख्य लेख रेस कुर्रम साउंड ट्रैक एस्तमन ने इस फिल्म के लिए संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया जो अल्लू अर्जुन के साथ उनका पहला सहयोग और सुरेंद्र रेड्डी के साथ दूसरा सहयोग है जनवरी 2014 में लहरी म्यूजिक ने ऑडियो अधिकार 75 लाख यूएस डॉलर चौरानवे हज़ार की राशि में खरीदे बाद में मार्च 2014 की शुरुआत में थमन ने पुष्टि की कि फ़िल्म का ऑडियो 16 मार्च को हैदराबाद में लॉन्च किया जाएगा फ़िल्म का साउंड ट्रैक एल्बम सोलह मार्च दो को हैदराबाद के पार्क हयात होटल में एक साधारण और औपचारिक प्रचार कार्यक्रम में जारी किया गया था ऑडियो को हर तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई मशहूर हस्तियों ने थमन की उनके काम के लिए प्रशंसा की साउंड ट्रैक ने मन मान कराटे और कोचा दहिया के साथ आई ट्यून्स में शेष दस एल्बमों में से एक के रूप में शुरुआत की मार्केटिंग फिल्म का पहला लुक सात दिसंबर दो हज़ार तेरह को जारी किया गया था टीजर ट्रेलर उसी दिन सुबह दस बजे सुरेंद्र रेड्डी के जन्मदिन के अवसर पर यूट्यूब पर जारी किया गया था टीजर तीस सेकंड का था जिसमें अल्लू अर्जुन काली शर्ट और काले पतलून में काले चश्मे के साथ दौड़ते हैं टीजर को अर्जुन के प्रशंसकों के साथ साथ आम दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली अल्लू अर्जुन और श्रुति आसन की तस्वीर वायरल हो गई पार्क हयात में एक सादे समारोह में संगीत लॉन्च होने से पहले यह बताया गया था कि निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज से पहले एक बड़ा धूमधाम कार्यक्रम आयोजित करने का विकल्प चुना था ऑडियो के बाजार में जारी होने के बाद यह बताया गया कि फिल्म का नाटकीय ट्रेलर 22 मार्च 2014 को राजमुंदरी में आयोजित एक समारोह में लॉन्च किया जाएगा इस स्थल की पुष्टि 21 मार्च 2014 को जी कॉलेज e. युवा उत्सव के रूप में की गई थी राजमुंदरी में ट्रेलर को हर तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली यह बताया गया कि निर्माताओं ने आदित्य प्रकाश आधारित स्टैंडीज का ऑर्डर दिया जिसमें अल्लू अर्जुन का नृत्य चित्र था और इनमें से प्रत्येक स्टैंड की कीमत लगभग दस हज़ार थी ऐसा कहा गया था कि निर्माता ने लगभग बीस पचास स्टैंडीज का ऑर्डर दिया है और इसे सभी मल्टीप्लेक्स और महत्वपूर्ण सिंगल स्क्रीन में प्रमुखता से रखा रिलीज प्रारंभ में फिल्म को विजयदशमी रिलीज़ के रूप में योजनाबद्ध किया था तेरह अक्टूबर दो हज़ार तेरह हालाँकि बाद में इसे महेश बाबू के एक नैनो कडाइन के साथ संक्रांति विशेष के रूप में ग्यारह जनवरी दो हज़ार चौदह में स्थानांतरित कर दिया गया नवंबर दो हजार तेरह के अंत में यह पुष्टि की गई कि फिल्म बारको साउंड्स द्वारा आर ओ ग्यारह पॉइंट एक ऑडियो फाइल प्रारूप का उपयोग करेगी इस प्रकार यह ऑर टेक्नोलॉजीज की अगली पीढ़ी की तीन पर ध्वनि तकनीक को अपनाने वाली तीसरी तेलुगु फिल्म बन जाएगी जनवरी 2014 के अंत में यह बताया गया कि फ़िल्म 4 अप्रैल 2014 को दुनिया भर में रिलीज़ होगी फरवरी 2014 के मध्य में यह बताया गया कि फ़िल्म 11 अप्रैल 2014 को रिलीज़ होने की उम्मीद है लेकिन फरवरी 2014 के आखिरी दिन यह बताया गया कि यह फिल्म 28 मार्च 2014 को नंदमुरी बालकृष्ण की लेजेंड के साथ टकराव के साथ रिलीज़ होगी जो दुनिया भर में 28 मार्च 2014 को रिलीज़ होने वाली थी 13 मार्च 2014 को एफ आई सी यू एस इंक ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने फिल्म के पूरे विदेशी नाटकीय स्क्रीनिंग अधिकार खरीदे हैं राजमुंदरी में नाटकीय ट्रेलर लॉन्च के दौरान अल्लू अर्जुन ने पुष्टि की कि फिल्म 11 अप्रैल 2014 को रिलीज़ होगी होम मीडिया फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार सन टीवी नेटवर्क को बेच दिए गए फिल्म का विश्व टेलीविज़न प्रीमियर 23 अक्टूबर 2014 को जैमिनी टीवी के माध्यम से हुआ स्वागत आलोचनात्मक स्वागत टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दी और कहा कि कुल मिलाकर यह है आदर्श टॉलीवुड मसाला पैकेज है जो मनोरंजन भाईचारे के प्यार और ब्रह्मानंदम की सही खुराक से भरा हुआ है आप इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर सकते सिफ़ी ने फिल्म को पाँच में से तीन पॉइंट दो पाँच स्टार रेटिंग दी और कहा कि रेस गुर्रम दूसरे भाग में कॉमेडी की खुराक के साथ एक नियमित व्यावसायिक मनोरंजक फिल्म है अल्लू अर्जुन और खिल बिल पांडे ने बाजी मार ली आइडल ब्रेन डॉट कॉम ने एक समीक्षा देते हुए कहा फिल्म के प्लस पॉइंट अल्लू अर्जुन ब्रह्मानंदम सिनेमाटोग्राफी दूसरे भाग की पटकथा सर्वागीण अभिविन्यास और उत्पादन मूल्य है वन इंडिया एंटरटेनमेंट ने एक समीक्षा देते हुए कहा रेस गुर्रम में मुख्य कलाकारों का, का उत्कृष्ट प्रदर्शन मनोरंजक वर्णन और समृद्ध उत्पादन मूल्य है लेकिन इसमें ताज़ा कथानक का अभाव है यह एक अच्छा वे पारिवारिक मनोरंजन है और जो बड़े पैमाने पर दर्शकों को भी प्रभावित करेगा यह एक अवश्य देखे जाने वाली फिल्म है बनी और सुरेंदर के प्रशंसक और फिल्म पाँच में से साढ़े तीन की रेटिंग दी इंडिया गेट्स ने एक समीक्षा देते हुए कहा रेस गुर्रम अपनी सभी शक्तिशाली कल्पनाओं के लिए पूरी तरह से अल्लू अर्जुन की फिल्म नहीं है हालांकि उनकी वीरता युवा दर्शकों को लुभाने के लिए पर्याप्त है लेकिन इसमें बहुत सारे पात्र और भाई संघर्ष जो कार्यवाही को दिलचस्प बनाए रखते हैं बॉक्स ऑफिस हरीश गुर्रम ने पहले दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छः करोड़ की कमाई की यह फिल्म यूएसए में एक मिलियन डॉलर कमाने वाली अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म बन गई फिल्म ने चार सप्ताह में चौवन पॉइंट इकतीस करोड़ की कमाई की यह अल्लू अर्जुन के लिए सबसे बड़ी हिट बन गई मलयालम डब संस्करण लकी द रेसर को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा स्वागत मिला रेस गुर्रम ने एक सौ उनसठ केंद्रों में से पचास दिन पूरे किए और छब्बीस केंद्रों में सौ दिन पूरे किए अपने पूरे नाटकीय प्रदर्शन में रेस गुर्रम ने उनसठ पॉइंट चार करोड़ से अधिक वितरक हिस्सेदारी अर्जित की और 2014 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनकर उभरी अल्लू अर्जुन जन्म आठ अप्रैल उन्नीस एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक अल्लू अर्जुन अपने नृत्य कौशल के लिए भी जाने जाते हैं वह एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार छः फिल्मफेयर पुरस्कार और तीन नंदी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है वह 2014 से फॉबर्स इंडिया की सेलिब्रिटी सौ सूची में दिखाई दे रहे हैं उन्हें लोकप्रिय रूप से स्टाइलिश स्टार के रूप में जाना जाता है अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री से अपनी शुरुआत की वह सुकुमार की पंथ क्लासिक आर्य दो में अभिनय करके प्रमुखता से उभरे जिसके लिए उन्होंने नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता उन्होंने एक्शन फिल्मों बनी 2005 और देश मधुरू दो से अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पारुगु में अभिनय किया जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता अल्लू अर्जुन ने आर्य दो वेदम जुलई रेस गुर्रम एस ओ सत्यमूर्ति रुद्रमा देवी सर्रे नोडू जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया एक लापरवाह ट्वीट स्मार्ट आदमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए दो फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाए उन्होंने रुद्रमा देवी में राजकुमार गौनागन्ना रेड्डी के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता उन्हें पुष्पा राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उच्च प्रशंसा मिली और 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में भी उभरी और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाले तेलुगु फिल्मों में शुमार है अल्लू अर्जुन कई ब्रांडों और उत्पादों का समर्थन करते हैं और प्रो कबड्डी लीग और स्ट्रीमिंग सेवा आहा के लिए एक सेलिब्रिटी ब्रांड अम्बेस्डर हैं प्रारंभिक जीवन अल्लू अर्जुन का जन्म आठ अप्रैल उन्नीस को मद्रास वर्तमान चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में फ़िल्म निर्माता अल्लू अरविंद और निर्मला के यहाँ हुआ था उनके दादा प्रसिद्ध फिल्म हास्य अभिनेता अल्लू रामलिंगैया थे जिन्होंने हज़ार से अधिक फिल्मों में काम किया उनका मूल स्थान आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी ज़िले का पलाकोल्लू है अल्लू अर्जुन भी इसकी उम्र में अपने परिवार के हैदराबाद चले जाने से पहले चेन्नई में पले बढ़े आजीविका वह तीन बच्चों में सबसे दूसरे नंबर पर है उनके बड़े भाई वेंकटेश एक बिजनेसमैन है जबकि उनके छोटे भाई शिरीष भी एक अभिनेता हैं उनकी मौसी अभिनेता चिरंजीवी की पत्नी सुरेखा कौ डेला है वह अभिनेता रामचरण के चचेरे भाई हैं आजीविका अधिक जानकारी अल्लू अर्जुन फिल्मोग्राफी करियर की शुरुआत उन्नीस से उन्नीस सौ दो से दो विजेता में एक बाल कलाकार के रूप में और डैडी 2001 में एक नर्तक के रूप में अभिनय करने के बाद उन्होंने गंगोत्री में अपने व्यस्क करियर की शुरुआत की फिल्म का निर्देशन के राघविंदर राव ने किया था और उनके पिता अल्लू अरविंद इसका निर्माण कर रहे थे साथ ही सी अश्वनी दत्त भी थे उनके अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एडल ब्रेन के जीवी ने फिल्म में उनके लुक की आलोचना की और कहा कि अर्जुन को ऐसी भूमिकाएं चुननी चाहिए जो उनकी ताकत को बढ़ाएं और उनकी कमजोरियों को ख़त्म करें इसके बाद उन्होंने बी विनायक की बनने में मुख्य भूमिका निभाई जो एक कॉलेज छात्र था बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के कारण आलोचकों ने उनके प्रयासों तौर तरीकों और नृत्य की प्रशंसा की उनकी अगली फिल्म ए करुणाकरण की संगीत में प्रेम कहानी हैप्पी थी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर विशेष रूप से विदेशी बाजारों में अच्छा प्रदर्शन किया एक आलोचक ने उनके नृत्य कौशल और प्रदर्शन की सराहना की लेकिन महसूस किया कि उनका चरित्र एक विशिष्ट कुशमिजाज आदमी है शैलियों का प्रयोग 2007 से 2010 इसके बाद उन्होंने पूरी जगन्नाथ की एक्शन फिल्म देश मधुरू में अभिनय किया जिसमें उन्होंने एक निडर पत्रकार बाला गोविंदम की भूमिका निभाई जो एक अंधेरे अतीत वाली महिला के प्यार में पड़ जाता है यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिससे उन्हें संतोषम फिल्म पुरस्कार सिनेमा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनका दूसरा नामांकन मिला उनकी अगली फिल्म भास्कर की परोगु थी जिसमें उन्होंने हैदराबाद के एक मिजाज आदमी कृष्णा की भूमिका निभाई जो अपने दोस्त को उसके प्यार के भाव साथ भागने में मदद करता है लेकिन उसे महिला के प्रता के क्रोध और भावनात्मक संघर्ष का अनुभव करना पड़ता है आइडल ब्रैन ने लिखा अल्लू अर्जुन पहले भाग में बहुत उत्कृष्ट हैं क्योंकि पहले भाग में चरित्र चित्रण जीवंत है और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है उन्होंने पूरे भाग को अपने कंधों पर उठाया उन्होंने दूसरे भाग में भावनात्मक दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया अल्लू अर्जुन ने अगली बार सुकुमार की एक्शन कॉमेडी आर्य टू में अभिनय किया रोमांटिक एक्शन फिल्म आर्य 2004 की आध्यात्मिक अगली कड़ी में उन्होंने एक अनाथ आर्य की भूमिका निभाई जो व्यवहारिक रूप से बीमार है और वह अपने दोस्त अजय नवदीप के लिए स्वामित्व की भावना से ग्रस्त है जो उसे कभी स्वीकार नहीं करता या फिर प्रेम वृणा संबंधों और प्रेम त्रिकोण की जटिलताओं के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म में उनका किरदार पूरे रंग का था सिफी ने लिखा है कि अल्लू अर्जुन प्यार की शक्तिशाली धारा में फंसे व्यक्ति के रूप में ऊर्जा से भरपूर हैं हालांकि वह नकारात्मक रंगों के साथ भूमिका निभाते हैं लेकिन उनका चरित्र चित्रण दर्शकों से बहुत सहानुभूति पैदा कर सकता है उनके नृत्य मन मुताबिक हैं उड़ा रहा है और वे भावनात्मक दृश्यों में उत्कृष्ट हैं 2010 में उनकी दो रिलीज हुई पहली थी गुणशेखर की बरूडू जिसमें उन्होंने आर्य और भानुश्री मेहरा के साथ अभिनय किया फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज अत्यधिक प्रशंसित हाइपर लिंक एंथोलॉजी फिल्म बेदम थी यह भारत में उनकी पहली ए रेटेड फिल्म थी और इसकी कहानी मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में छब्बीस ग्यारह के मुंबई विस्फोटों से प्रेरणा लेती है उन्होंने जुबली हिल्स हैदराबाद स्लम के रहने वाले केबल ऑपरेटर आनंद केबल राजू की भूमिका निभाई फिल्म में अनुष्का शेट्टी मांचू मनोज और मनोज वाजपेयी भी अन्य भूमिकाओं में हैं आगे की सफलता 2011 से 2013 हजार तेरह वह अगली बार बी वी विनायक की एक्शन फिल्म बद्रीनाथ 2011 में दिखाई दी है जिसमें उन्होंने बद्री की भूमिका निभाई जो एक आधुनिक भारतीय समुराई है जिसे उसके गुरु प्रकाश राज द्वारा बद्रीनाथ मंदिर की रक्षा करने का काम सौंपा गया है जिसके प्रति वह बहुत वफादार हैं अल्लू अर्जुन ने वियतनाम में गैन मार्शल आर्ट और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया और तमन्ना के साथ उनकी पहली जोड़ी है फिल्म में एक योद्धा की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने अपने बाल बढ़ाए ग्राफिक एक्शन हिंसा के कारण वेदम 2010 के बाद यह भारत में उनकी दूसरी रेटेड फिल्म है फिल्म ने एक सौ सत्तासी सिनेमाघरों में पचास दिन का प्रदर्शन पूरा किया उनके प्रदर्शन और चरित्र को मिश्रित समीक्षाएं मिली टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने लिखा है कि अर्जुन के पास शायद ही भावनाओं को व्यक्त करने की कोई गुंजाइश है क्योंकि उन्हें ज़्यादातर एक्शन दृश्य और गाने की दृश्यों में धकेल दिया गया था बद्रीनाथ के बाद उन्होंने 2011 में त्रिविक्रम श्रीनिवास की एक्शन कॉमेडी फिल्म जुलाई पर हस्ताक्षर किए यह दो में रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने रविंद्र नारायण की भूमिका निभाई थी जो एक स्ट्रीट स्मार्ट लेकिन बिगड़ैल बच्चा था जिसके जीवन में उसके बाद एक बड़ा बदलाव आता है एक बड़ी बैंक डकैती का गवाह एक आलोचक ने लिखा है कि अल्लू अर्जुन ने प्यारे बदमाश के रूप में एक आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शन किया है एक ऐसी भूमिका है जो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है और वह इसे एक विशिष्ट फनाचे के साथ निभाते हैं वह विशेष रूप से अपने नृत्य के साथ स्क्रीन को रोशन करते हैं कुछ को खींचते हैं काफ़ी चुनौतीपूर्ण डांस मूव्स इदार मई लाथो दो के सेट पर अल्लू अर्जुन अगले वर्ष उन्होंने पूरी जगन्नाथ की एक्शन थ्रिलर इदार रम मई लाथो में अभिनय किया जिसमें उन्होंने हमला पॉल और कैथरीन ट्रेसा के साथ एक अंधेरे अतीत वाले गिटार वादक संजू रेड्डी की भूमिका निभाई द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने फिल्म के विभिन्न गानों में एक्शन दृश्यों और डांस मूव्स में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की उन्होंने कहा अल्लू अर्जुन नित्य अर्स्टेंट एपिसोड में अपने लाभ के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हैं एक अन्य आलोचक ने लिखा है कि अपने स्टाइलिश स्टार के टैग के अनुरूप अल्लू अर्जुन पहले से कहीं अधिक ट्रेंडी दिखते हैं गिटार वादक का उनका किरदार जो बर्सीलोना में एक स्ट्रीट परफॉर्मर है अपने सबसे अच्छे रूप में था और पूरी तरह से अलग दिखता है अपनी पिछली फिल्मों से उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वह एक अच्छे अभिनेता हैं और शायद एक्शन निर्देशक की सावधानीपूर्वक योजना के कारण वह सभी लड़ाई दृश्यों में सही अभिव्यक्ति करते हैं यह फिल्म देश मधुरों के पूरी जगन्नाथ के साथ उनका दूसरा और आखिरी सहयोग है व्यावसायिक सफलता 2014 से 2018 2014 में चौदह में वामसी पेड़ी पल्ली की एक्शन थ्रिलर फिल्म येवाड़ू में काजल अग्रवाल के साथ एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने अपनी समीक्षा में लिखा है कि अल्लू अर्जुन दिखाते हैं कि एक अभिनेता एक छोटी भूमिका में भी क्या कर सकता है कुछ ही मिनटों में वह अपने अनुभव को समेटते हैं चरित्र को आंतरिक बनाते हैं और एक बेहतरीन किरदार बनाते हैं अपनी पहचान खो देने के बाद भी प्रभावशाली निकास उनकी अगली फिल्म सुरिंदर रेड्डी की रेस गुर्रम थी जिसमें उन्होंने एक लापरवाह व्यक्ति अल्लू लक्ष्मण लक्की प्रसाद की भूमिका निभाई वह मई दो में फिल्म के निर्माण में शामिल हुए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही साथ ही यह फिल्म अल्लू की पहली सौ करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई डेक्कन क्रॉनिकल को लिखते हुए सुरेश कबीरानी ने महसूस किया कि अल्लू अर्जुन ने अपने ऊर्जावान प्रदर्शन से शो को चुरा लिया और फिल्म में उनके नृत्य कौशल की भी प्रशंसा की रंजनी राजेंद्र ने भी उनके नृत्य हास्य अभिनय और एक्शन दृश्यों में प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन उन्हें लगा कि कहानी पूर्वानुमित और नियमित है अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना तीसरा फेयर पुरस्कार जीता और जुलाई के बाद दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एस आई आई एम में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अल्लू अर्जुन ने एक लघु फिल्म आई एम दैट चेंज का निर्माण और अभिनय किया जो अगस्त 2014 में रिलीज़ हुई थी फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया था व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रिलीज होने पर लघु फिल्म को ऑनलाइन वायरल प्रतिक्रिया मिली और इसकी अवधारणा और निष्पादन के लिए मशहूर हस्तियों सहित कई लोगों ने इसकी सराहना की इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया अल्लू अर्जुन अगली बार त्रिविक्रम श्रीनिवास की एस ओ सत्यमूर्ति दो में दिखाई है, जो नौ अप्रैल दो को रिलीज हुई थी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सातवां नामांकन दिलाया फिल्म के बाद उन्होंने गुणशेखर की जीवनी एक्शन फिल्म रुद्रमा देवी 2015 में गोना गन्ना रेड्डी की भूमिका निभाई बेहतर स्रोत की आवश्यकता रुद्रमा देवी के जीवन पर आधारित यह फिल्म पहली भारतीय थ्री डी ऐतिहासिक फिल्म है फिल्म में किरदार के लिए उन्होंने तेलंगाना तेलुगु भाषा सीखी है और उसे बोलते हुए देखा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके प्रदर्शन को त्रुटिहीन और सीटी योग्य कहा चरित्र गौना गौनागन्ना रेड्डी के लिए व्यापक प्रतिक्रिया और लोकप्रियता के कारण 2021 में निर्देशक गुण ने कहा कि वह शकुंतलम के बाद पूरी तरह से चरित्र पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में होंगे रुद्रमा देवी के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों जीतने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए तीन अन्य पुरस्कार भी जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी शामिल है, है। अल्लू अर्जुन दो में विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम के एक प्रचार कार्यक्रम में 2016 में उन्होंने बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित सरेनोडो में अभिनय किया हालांकि फिल्म को पटकथा और कहानी के नकारात्मक समीक्षा मिली यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने एक करोड़ से अधिक की कमाई की अल्लू अर्जुन ने इसे अपने करियर की एक ऐतिहासिक फिल्म कहा एक्शन दृश्यों और डांस नंबरों में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फ़िल्म फेयर पुरस्कार दिलाया इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनका आठवां नामांकन भी हुआ उसी वर्ष जून में उन्होंने तीसरी बार निर्माता दिलराजू के साथ डीजे जे दुब्बादा के लिए अपनी अगली फिल्म की घोषणा की 2017 में रिलीज़ हुई हरी शंकर द्वारा निर्देशित फिल्म जिसमें उन्होंने पूजा हेगड़े राव रमेश और सुब्बा राजू के साथ दोबारा जगनादम डी शास्त्री की भूमिका निभाई वह एक कैटरर के रूप में दिखाई देता है जो एक गुप्त पुलिस वाला है फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने उनके नृत्य की प्रशंसा की और लिखा कि सीतीमार और अस्वाई का योग में अल्लू अर्जुन की उत्तम चालों से परे देखें आपको बस एक कहानी मिलेगी जो अपनी लय खोजने के लिए संघर्ष करती है इंडिया टुडे ने भी उनके नृत्य की सराहना की लेकिन फिल्म की पटकथा की आलोचना की और इसे आसिया बोर, बोर ओविया कहा अगले साल मई में लेखक से निर्देशक बने वकंथम वामसी के निर्देशन में उनकी फिल्म न पेरू सूर्या न इल्लू इंडिया रिलीज हुई उन्होंने भारतीय सेना के एक सिपाही सूर्या की भूमिका निभाई जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है अल्लू अर्जुन ने पेशेवरों से ट्रिक्स और स्टंट सीक्वेंस सीखने में काफ़ी समय बिताया खासकर डांस नंबर और एक्शन सीक्वेंस के लिए रिलीज होने पर फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही एक आलोचक ने उनके प्रदर्शन को अल्लू अर्जुन का करियर सर्वश्रेष्ठ का और इसे फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया अला वैकंठपुरु और उससे आगे 2019 से मौजूदा दिसंबर 2018 में उनके अगले प्रोजेक्ट अला वैकंट पुरुमुलू की घोषणा की गई जिसके निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास थे पूजा हेगड़े को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए चुना गया इस तरह डीजे जो दुब्वादा जगनादम के बाद हेगड़े के साथ उनका दूसरा सहयोग शुरू हुआ वह अप्रैल 2019 में फिल्म के निर्माण में शामिल हुए अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्ण द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित यह फिल्म जुलाई 2012 और एस ओ सत्यमूर्ति के बाद अल्लू अर्जुन और तीर विक्रम के तीसरे सहयोग का प्रतीक है फिल्म जनवरी 2020 में रिलीज़ हुई थी अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाएं मिली रोहित मोहन द्वारा कोई मोई पर पोस्ट की गई एक समीक्षा में कहा गया है कि चाहे वह कॉमेडी हो एक्शन हो भावनाएं हो शैली हो निश्चित रूप से नृत्य हो स्टार अभिनेता ने से फिल्म में बखूबी निभाया है जैसे बनी ने अपने अभिनय के दर्शकों को अपनी धुनों पर थिरकने पर मजबूर कर दिया फिल्म कंपेनियन को लगा कि बोर्ड रूम दृश्य में अल्लू अर्जुन का प्रदर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण था इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की भावना शर्मा ने कहा कि अल्लू अर्जुन अपने किरदार में पूरी तरह से घुस गए थे यह फिल्म उनके करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है बुट्टा बोमा गाने में अल्लू अर्जुन के नृत्य प्रदर्शन को व्यापक प्रतिक्रिया मिली 2021 में वह पुष्पा दराइस के लिए लगभग एक दशक के बाद सुकुमार के साथ फिर से जुड़े यह फिल्म आंध्र प्रदेश के शेष चरम पहाड़ियों में लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है और अल्लू अर्जुन ने फैद फासिल और रश्मिका मंदाना के सात कुली से तस्कर बने पुष्पाराज की भूमिका निभाई फिल्म दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी लेकिन इसे मिली जुली समीक्षा मिली लेकिन उनके अभिनय की प्रशंसा की गई उनमें कार्य और मीडिया छवि उनकी लोकप्रियता दो तेलुगु संगीत वीडियो में दर्ज की गई थी पहला एक रैप गीत है जिसे एस तमन द्वारा संगीतबद्ध किया गया है और रोल निदा और हरिका नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया है और गीत रोल रिदा और द हैदराबाद नवाब्स द्वारा लिखे गए हैं अल्लू अर्जुन रैप सॉन्ग नामक संगीत वीडियो जनवरी 2021 में आदित्य म्यूजिक लेबल के माध्यम से जारी किया गया था अल्लू अर्जुन को जे क्यू में 2020 के सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों की सूची में शामिल किया गया था वह याहू पर 2020 में सर्वाधिक खोजे जाने वाले पुरुष सेलिब्रिटी हैं मीडिया में उन्हें आइकन स्टार या बनी कहा जाता है केरल में उनकी फिल्मों की लगातार सफलता के बाद आर दो हज़ार चार के बाद से उन्हें मल्लू अर्जुन कहा जाने लगा मैं हूँ लक्की दरेसर दो हज़ार चौदह की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और नल्ला मालूपू श्रीनिवास द्वारा उनके बैनर श्री लक्ष्मी नरसिम्हा प्रोडक्शंस के तहत निर्मित है फिल्म में अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन हैं, जबकि श्याम और रवि किशन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं एस्थमन ने संगीत तैयार किया छायांकन और संपादन क्रमशः मनोज परमहंस और गौतम राजू द्वारा तैयार किया गया था मुख्य फोटोग्राफी तेरह मई दो को हैदराबाद में शुरू हुई और पूरी शूटिंग 22 फरवरी 2014 को पूरी हुई फिल्म सकारात्मक समीक्षा के साथ 11 अप्रैल 2014 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई यह फिल्म अल्लू अर्जुन की 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाली पहली फिल्म थी वितरक की हिस्सेदारी उनसठ करोड़ के साथ यह फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनकर उभरी इसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किए कथानक राम प्रसाद और लक्ष्मण लक्की प्रसाद भाई के और एक दूसरे के विरोधी हैं जहाँ पहला एक सम्मानीय एस पी है वहीं दूसरा एक बेरोजगार खुश मिजाज आदमी है जिसका अपने भाई के साथ लगातार मतभेद रहता है मधाली रेड्डी एक भाड़े के व्यक्ति से राजनेता बने हैं है। वह पुलिस अधिकारियों के एक दस्ते को बंदूक की नोक पर रखता है और उनमें से एक राजीव को बाकी अधिकारियों की जान बचाने के लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर एसपी समीर जो राम का सबसे अच्छा दोस्त भी है को मारने के लिए मजबूर करता है राम आगामी चुनावों में शिवा रेड्डी की भागीदारी को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं एक दिन लकी की मुलाकात लिफ्ट में भीम प्रकाश की बेटी संपंदना से होती है उसने नोटिस किया कि वह किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया नहीं करती है चाहे कुछ भी हो जाए बिना प्रतिक्रिया किए अपने तथ्य पर वही अभिव्यक्ति बनाए रखती है जब वह बैंक डकैती के दौरान बंदूक से धमकाए जाने के बाद भी डरी हुई दिखने से इनकार करती है तो लक्की उससे पूछता है कि वह ऐसी क्यों है स्पंदना का कहना है कि वह सभी भावनाओं को अंदर महसूस करती है उनके पिता भीम प्रकाश ने उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाया लक्की जैसे स्पंदना से प्यार हो गया है वह इसे बकवास कहता है और उसमें बदलाव लाने की कसम खाता है लकी से नियमित रूप से मिलने के बाद वह अपनी भावनाओं को दिखाना और उसके प्यार का बदला लेना सिखाती है राम को लकी के रिश्ते के बारे में पता चलता है और भाव प्रकाश को बताता है कि उसकी बेटी पिछली शरारत का बदला लेने के लिए एक हंसी और बिगड़ैल आदमी के साथ घूम रही है प्रकाश तुरंत लकी को नापसंद करता है और उससे कहता है कि वह उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकता लकी और राम के बीच गंभीर लड़ाई होती है जहाँ लक्की को उसकी माँ पहली बार थप्पड़ मारती है भयभीत और क्रोधित होकर उसने राम की जीप चुरा ली जिसमें राम उन फाइलों को ले जा रहा था जिनमें शिवा रेड्डी को कई अपराधों में दोषी ठहराया गया था इसके बाद लक्की पर शिवा रेड्डी के आदमियों द्वारा हमला किया जाता है जो गलती से उसे राम समझ लेते हैं और जीप फाइलों सहित आग की लपटों में जल जाती है लक्की गुंडों की पिटाई करता है जो उसे बताने कि कोशिश करते हैं कि वह राम की हत्या की योजना बना रहे थे यह सुनकर लक्की क्रोधित हो जाता है वह शिवा रेड्डी का अपहरण कर लेता है और उसे एक पेड़ से उल्टा बांधकर कर पीट पीट कर बेहोश कर देता है शिवा रेड्डी अस्पताल में भर्ती है इसके बाद लक्की शिवा रेड्डी के पिता पेद्दी रेड्डी से मिलता है और अपनी बात कबूल करता है वह इस बारे में बात करता है कि कैसे वह अपने भाई से नफरत करता था लेकिन अब उसे एहसास हुआ है कि वह अपने भाई से बहुत प्यार करता है यही वजह है कि उसने इस तरह से प्रतिक्रिया दी जब शिवा रेड्डी कोमा से उठता है तो पेड़ी रेड्डी उसे अपने अवसर की प्रतीक्षा करने और लकी से बदला लेने के लिए प्रेरित करता है लकी ने राम को श्वेता से फिर से मिलने का फैसला किया जिससे वह प्यार करता था ताकि राम खुश हो जाए और उसकी प्रेम कहानी में हस्तक्षेप ना करे कुछ मज़ेदार मोड़ों के बाद उसकी योजना काम करती है ठीक होने और विधायक चुने जाने के बाद शिवा रेड्डी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है लकी और उसके परिवार से बदला लेना शुरू कर देता है उसने एक महिला को यह दावा करने के लिए भुगतान करके राम को निलंबित कर दिया कि राम ने उसका यौन उत्पीड़न किया था और सरकार ने परिवार के घर को यह दावा करते हुए ध्वस्त कर दिया कि वह अवैध रूप से बनाया गया था तब राम को सूचित किया जाता है कि लकी ने ही उसकी जीप चुराई थी राम गुस्से में है और लकी को उसकी गलती के लिए डांटने के बाद परिवार से बाहर निकाल देता है शिवा रेड्डी द्वारा लकी का अपहरण कर लिया जाता है जो उसे बेरहमी से पीटता है और उसे उसी पेड़ से लटका देता है जिस पर लकी ने उसे लटकाया था लकी भाग जाता है और गृह मंत्री गोवर्धन की मदद से बदला लेने की योजना बनाता है जो विधायक से गृह मंत्री बनने के लिए लक्की का आभारी है लक्की ने गोवर्धन को यह कहकर मूर्ख बनाया कि वह कैंसर से पीड़ित है और उसके पास जीने के लिए केवल दो दिन हैं। गोवर्धन का कहना है कि वह लक्की की कोई भी इच्छा पूरी करेगा और लक्की एक विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का अनुरोध करता है और गोवर्धन से लक्की के जीवित रहने के लिए बारह घंटे का एकांत अनुष्ठान करने के लिए कहता है गोर्धन सहमत है लकी पुलिस अधिकारियों की एक टीम का प्रभारी है जिसमें किल बिल पांडे भी शामिल है एक निराश पुलिस अधिकारी जो नेतृत्व करता है और लकी को शिव रेड्डी की संपत्तियों को नष्ट करने में मदद करता है यह नहीं जानते हुए कि लकी एक नकली पुलिस अधिकारी है लकी ने शिवा रेड्डी को उसकी फैक्ट्रियों की सूची लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से किल बिल भेजा इस बहाने से कि उन्हें पता चल जाएगा कि किन फैक्ट्रियों पर छापा नहीं मारना है सूची और मीडिया का उपयोग करते हुए विशेष बल की टीम आक्रमण करती है और शिवा रेड्डी के अवैध कार्यों का पर्दाफाश करती है गोवर्धन की प्रार्थना समाप्त होती है और सी.एम. द्वारा उसे उसकी गलती के लिए डांटने के बाद गोवर्धन राम से मदद मांगता है लकी लड़ता है और शिवा रेड्डी को हरा देता है लेकिन जब वह उसे पकड़ लेता है तो राम प्रकट होता है और लकी को पकड़ लेता है गोवर्धन और सीमा सी लक्की को उसके गैर कानूनी कार्यों और उन्हें अपमानित करने के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी देना चाहते हैं लेकिन राम उन्हें बताता है कि लोग उस व्यक्ति को मारना पसंद नहीं करेंगे जिसने शिवा रेड्डी को उजागर किया था उन्होंने खुलासा किया कि जनता अगले चुनाव में उसी सरकार को फिर से चुनने की योजना बना रही थी लकी इस अवसर का उपयोग करता है और सीएम और गोवर्धन को इस विशेष बल टीम को जारी रखने और अपने भाई जैसे पुलिस अधिकारियों को पूरी शक्तियाँ देने के लिए ब्लैकमेल करता है उन्होंने शिवा रेड्डी को जाने दिया लेकिन राजीव ने उसे गोली मार दी लक्की और राम अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से मिलते हैं गोलकुंडा किला जहाँ अल्लू अर्जुन और अन्य पर कुछ दृश्य फिल्माए गए थे सितंबर 2012 की शुरुआत में यह बताया गया था कि सुरेंद्र रेड्डी इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को निर्देशित करेंगे जिसे नला मालूपू बुजी द्वारा निर्मित करने की घोषणा की गई थी अक्टूबर 2012 के अंत में इसका नाम रेस गुर्रम रखा गया सुरेंद्र रेड्डी और एस्थमन के साथ अल्लू अर्जुन की यह पहली फिल्म थी यह फिल्म 24 अक्टूबर 2012 को विजयदशमी के दिन हैदराबाद के रामा नायडू स्टूडियो में लॉन्च की गई थी चिरंजीवी अल्लू अरविंद नला मालूपू श्रीनिवास बुज्जी डॉक्टर वेंटेश्वर राव डी रामा के राघवेंद्र राव नागा बाबू अली वीवी विनायक राना डगू भट्टी श्याम प्रसाद रेड्डी वक्कंथम वामसी ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई डी रामा नायडू ने औपचारिक पूजा की और चिरंजीवी ने ताली बजाई वी वी विनायक ने पहला शॉट निर्देशित किया जबकि श्याम प्रसाद रेड्डी ने कैमरा चालू किया निर्माताओं में से एक डॉक्टर वेंकटेश्वर राव ने कहा कि नियमित शूटिंग अल्लू अर्जुन की हदा रम मई लाथों के पूरा होने के बाद दिसंबर में शुरू होगी फिल्म के लॉन्च के दौरान यह बताया गया कि विजयन फिल्म में लड़ाई और रोमांच प्रदान करेंगे शुरुआत में इसमें मुख्य भूमिका के लिए सामंथा से संपर्क किया गया था लेकिन बाद में नायिका के रूप में श्रुति हासन को चुना गया जिसकी पुष्टि अभिनेत्री ने अपने ट्विटर पर की यह घोषणा की गई थी कि विजयदशमी रिलीज को लक्ष्य करते हुए नियमित शूटिंग दो मई दो हज़ार तेरह से शुरू होगी हालांकि कुछ देरी के कारण नियमित शूटिंग तेरह मई दो हज़ार तेरह से हैदराबाद में शुरू हुई हैदराबाद में पहला शेड्यूल पूरा करने के बाद टीम कुछ गानों सहित कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग के लिए नॉर्वे चली गई जिससे यह एक लंबा शेड्यूल बन गया उस समय बताया गया था कि किक और ओसार वैली में काम करने के बाद सुरेंद्र रेड्डी ने शाम को इसमें शामिल कर लिया था इस बीच नॉर्वे में, में शूटिंग पूरी होने के बाद यूनिट यूरोप के लिए रवाना हो गई स्विट्ज़रलैंड इटली जहां 1 जुलाई 2013 में आठ दिनों की अवधि में दो गाने डिब्बा बंद किए जाने के बाद जिसके बाद नियमित शूटिंग हैदराबाद में जारी रहेगी हालांकि शूटिंग जिनेवा में फिर से शुरू हुई जो बाद में मिलान में जारी रही इस समय सलोनी को फिल्म में दूसरी नायिका के रूप में चुना गया था जो अल्लू अर्जुन और सुरेंद्र रेड्डी के साथ उनका पहला सहयोग था बाद में यूनिट हैदराबाद लौट आई और अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन ने अन्नपूर्णा स्टूडियो सात एकड़ में शूटिंग में भाग लिया वहाँ सिनेमा चो पिस्ता मावा गाना जॉनी मास्टर की कोरियोग्राफी में शूट किया गया था गाने की शूटिंग पूरी होने के बाद अल्लू अर्जुन ने एक फ़ाइट सीन शूट में भाग लिया जिसे प्रसिद्ध फाइट मास्टर राम लक्ष्मण ने कोरियोग्राफ किया था सितंबर 2013 की शुरुआत में यह पुष्टि की गई कि भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को खलनायक के रूप में चुना गया था इस प्रकार यह फिल्म उनकी तेलुगु डेब्यू थी बाद में सितंबर में कुछ दृश्य अल्लू अर्जुन और अन्य पर हैदराबाद के गोलकुंडा किले में फिल्माए गए थे बाद में हैदराबाद और उसके आसपास कुछ लड़ाई के दृश्य फिल्माए गए जिनमें प्रमुख कलाकारों ने भाग लिया अट्ठाईस अक्टूबर दो हज़ार तेरह की रात को अल्लू अर्जुन और शाम के बीच हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी के हेलपैड जंक्शन में दृश्य फिल्माए गए नवंबर 2013 की शुरुआत में रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग जारी रही जहां कुछ कॉमेडी दृश्य भी फिल्माए गए 16 नवंबर 2013 से कुछ एक्शन सीक्वेंस डिब्बा बंद किए गए जिनमें अल्लू अर्जुन ने भाग लिया शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में जारी रही और यूनिट ने नौ उन्नीस नवंबर 2013 से हैदराबाद के बाहरी इलाके में कुछ और लड़ाई दृश्यों की शूटिंग की शूटिंग चेरला में जारी रही जहां अल्लू अर्जुन ब्रह्मानंदम और कृष्ण पर दृश्य फिल्माए गए बाद में कुछ महत्वपूर्ण दृश्य हैदराबाद के चार मीनार क्षेत्र के पास फिल्माए गए वहाँ अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन का पीछा करने का दृश्य पूरा करने के बाद यूनिट ने एक बार फिर रामोजी फिल्म सिटी में अपनी शूटिंग जारी रखी तब तक सुरेंद्र रेड्डी ने खुलासा किया कि फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग पूरी हो चुकी थी चौबीस दिसंबर को यह घोषणा की गई कि फिल्म का टॉकी भाग पूरा हो गया और दो गानों की शूटिंग बाकी है जो पाँच जनवरी दो हज़ार चौदह से शुरू होने वाले नए शेड्यूल से शुरू होगी पाँच जनवरी को नया शेड्यूल एक बार फिर रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शुरू हुआ जहाँ कुछ महत्वपूर्ण दृश्य और एक आइटम नंबर शूट किया जाएगा बताया गया कि आखिरी गाने की शूटिंग 20 से 25 जनवरी के बीच होने की बात कही गई थी जिसके साथ ही फ़िल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी बाद में 13 जनवरी 2014 को अल्लू अर्जुन और कैरा दत्ता पर एक गाना शूट किया गया जिसमें थगु पोथू रमेश और श्रीनिवास रेड्डी ने भी हिस्सा लिया कहा जाता है कि यह फिल्म में अल्लू अर्जुन का परिचय गीत था जिसे दिनेश मास्टर ने संगीतबद्ध किया था पंद्रह फरवरी से अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन पर एक गाना शूट करने की योजना बनाई गई थी हालांकि चूंकि उनकी सर्जरी हुई थी इसलिए गाने का फिल्मांकन सत्रह फरवरी को स्थानांतरित कर दिया गया था फरवरी दो हज़ार चौदह में यह बताया गया कि अनुभवी कन्नड़ और तेलुगु अभिनेत्री पवित्रा लोकेश इस फिल्म में अल्लू अर्जुन की माँ की भूमिका निभा रही है इस बीच बीस फरवरी को श्रुति हासन ने घोषणा की कि उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है गाने की शूटिंग 22 फरवरी 2014 को समाप्त हो गई और इस तरह फिल्म की शूटिंग समाप्त हो गई मार्च 2014 के मध्य में यह बताया गया कि ब्रह्मानंदम इस फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे आई ए एन एस को दिए गए एक साक्षात्कार में ब्रह्मानंदम ने बताया कि वह और अल्लू अर्जुन पुलिस विभाग में साझेदार की भूमिका निभाते हैं उन्होंने कहा मैं फिल्म में उनके सहायक की भूमिका निभा रहा हूँ और अर्जुन हमारे बीच के दृश्य हंसी मजाक के बीच है मैं इस किरदार से बेहद खुश हूँ क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो मैंने लंबे समय से नहीं निभाया है मुझे यकीन है कि दर्शकों को यह देखना पसंद आएगा हम स्क्रीन पर एक साथ हैं सुनील ने फिल्म के लिए आवाज़ दी पोस्ट प्रोडक्शन शूटिंग के अंतिम चरण के दौरान पोस्ट प्रोडक्शन गतिविधियां शुरू हुई और मार्च के अंत तक यह बताया गया कि फ़िल्म की पोस्ट प्रोडक्शन गतिविधियां चेन्नई बी टू ऐसे स्टूडियो में पूरे जोरों पर हैं। उनतीस मार्च को यह बताया गया कि थमन ने फिल्म के पहले भाग की पुनः रिकॉर्डिंग का काम पूरा कर लिया है और दूसरे बाग की पुनः रिकॉर्डिंग का काम प्रगति पर है साथ ही यह भी बताया गया कि फिल्म की यूनिट यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही है कि फिल्म का पहला कट 31 मार्च तक तैयार हो जाए ऐसा कहा गया था कि जैसी गतिविधियां समाप्त हो जाएगी फिल्म की पहली प्रति सेंसर प्रमाणन के लिए प्रदर्शित की जाएगी 4 अप्रैल 2014 को फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा यू ए प्रमाण पत्र दिया जाएगा फिल्म की लंबाई एक मिनट थी फिल्म की अंतिम प्रति चार अप्रैल दो को तैयार हो गई थी संगीत मुख्य लेख रेस कुर्रम साउंड ट्रैक एस्थमन ने इस फिल्म के लिए संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया जो अल्लू अर्जुन के साथ उनका पहला सहयोग और सुरेंद्र रेड्डी के साथ दूसरा सहयोग है जनवरी 2014 में लहरी म्यूजिक ने ऑडियो अधिकार 75 लाख यूएस डॉलर चौरानवे हज़ार की राशि में खरीदे बाद में मार्च 2014 की शुरुआत में थमन ने पुष्टि की कि फ़िल्म का ऑडियो 16 मार्च को हैदराबाद में लॉन्च किया जाएगा फ़िल्म का साउंड ट्रैक एल्बम सोलह मार्च दो को हैदराबाद के पार्क हयात होटल में एक साधारण और औपचारिक प्रचार कार्यक्रम में जारी किया गया था ऑडियो को हर तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई मशहूर हस्तियों ने थमन की उनके काम के लिए प्रशंसा की साउंड ट्रैक ने मन मान कराटे और कोचा दहिया के साथ आई ट्यून्स में शीर्ष दस एल्बमों में से एक के रूप में शुरुआत की मार्केटिंग फिल्म का पहला लुक सात दिसंबर दो हज़ार तेरह को जारी किया गया था टीज़र ट्रेलर उसी दिन सुबह दस बजे सुरेंद्र रेड्डी के जन्मदिन के अवसर पर यूट्यूब पर जारी किया गया था टीज़र तीस सेकंड का था जिसमें अल्लू अर्जुन काले शर्ट और काले पतलून में काले चश्मे के साथ दौड़ते हैं टीजर को अर्जुन के प्रशंसकों के साथ साथ आम दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन की तस्वीर वायरल हो गई पार्क हयात में एक सादे समारोह में संगीत लॉन्च होने से पहले यह बताया गया था कि निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज से पहले एक बड़ा धूमधाम कार्यक्रम आयोजित करने का विकल्प चुना था ऑडियो के बाजार में जारी होने के बाद यह बताया गया कि फिल्म का नाटकीय ट्रेलर 22 मार्च 2014 को राजमुंदरी में आयोजित एक समारोह में लॉन्च किया जाएगा इस स्थल की पुष्टि 21 मार्च 2014 को जी कॉलेज e. युवा उत्सव के रूप में की गई थी राजमुंदरी में ट्रेलर को हर तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली यह बताया गया कि निर्माताओं ने आदित्य प्रकाश आधारित स्टैंडीज का ऑर्डर दिया जिसमें अल्लू अर्जुन का नृत्य चित्र था और इनमें से प्रत्येक स्टैंड की कीमत लगभग दस हज़ार थी ऐसा कहा गया था कि निर्माता ने लगभग बीस पचास स्टैंडीज का ऑर्डर दिया है और इसे सभी मल्टीप्लेक्स और महत्वपूर्ण सिंगल स्क्रीन में प्रमुखता से रखा रिलीज प्रारंभ में फिल्म को विजयदशमी रिलीज़ के रूप में योजनाबद्ध किया था तेरह अक्टूबर दो हज़ार तेरह हालाँकि बाद में इसे महेश बाबू के एक नैनो कडाइन के साथ संक्रांति विशेष के रूप में ग्यारह जनवरी दो हज़ार चौदह में स्थानांतरित कर दिया गया नवंबर दो हजार तेरह के अंत में यह पुष्टि की गई कि फ़िल्म बारको साउंड्स द्वारा आर ओ ग्यारह पॉइंट एक ऑडियो फाइल प्रारूप का उपयोग करेगी इस प्रकार यह ऑर टेक्नोलॉजीज़ की अगली पीढ़ी की तीन पर ध्वनि तकनीक को अपनाने वाली तीसरी तेलुगु फिल्म बन जाएगी जनवरी 2014 के अंत में यह बताया गया कि फ़िल्म 4 अप्रैल 2014 को दुनिया भर में रिलीज़ होगी फरवरी 2014 के मध्य में यह बताया गया कि फिल्म 11 अप्रैल 2014 को रिलीज़ होने की उम्मीद है लेकिन फरवरी 2014 के आखिरी दिन यह बताया गया कि यह फिल्म 28 मार्च 2014 को नंदमुरी बालकृष्ण की लेजेंड के साथ टकराव के साथ रिलीज़ होगी जो दुनिया भर में 28 मार्च 2014 को रिलीज़ होने वाली थी 13 मार्च 2014 को एफ आई सी यू एस इंक ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने फिल्म के पूरे विदेशी नाटकीय स्क्रीनिंग अधिकार खरीदे हैं राजमुंदरी में नाटकीय ट्रेलर लॉन्च के दौरान अल्लू अर्जुन ने पुष्टि की कि फिल्म 11 अप्रैल 2014 को रिलीज़ होगी होम मीडिया फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार सन टीवी नेटवर्क को बेच दिए गए फिल्म का विश्व टेलीविज़न प्रीमियर 23 अक्टूबर 2014 को जैमिनी टीवी के माध्यम से हुआ स्वागत आलोचनात्मक स्वागत टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दी और कहा कि कुल मिलाकर यह आदर्श टॉलीवुड मसाला पैकेज है जो मनोरंजन भाईचारे के प्यार और ब्रह्मानंदम की सही खुराक से भरा हुआ है आप इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर सकते सिफ़ी ने फिल्म को पाँच में से तीन पॉइंट दो पाँच स्टार रेटिंग दी और कहा कि रेस गुर्रम दूसरे भाग में कॉमेडी की खुराक के साथ एक नियमित व्यावसायिक मनोरंजक फिल्म है अल्लू अर्जुन और किलबिल पांडे ने बाजी मार ली आइडल ब्रेन डॉट कॉम ने एक समीक्षा देते हुए कहा फिल्म के प्लस पॉइंट अल्लू अर्जुन ब्रह्मानंदम सिनेमाटोग्राफी दूसरे भाग की पटकथा सर्वागीण अभिविन्यास और उत्पादन मूल्य है वन इंडिया एंटरटेनमेंट ने एक समीक्षा देते हुए कहा रेस गुर्रम में मुख्य कलाकारों का, का उत्कृष्ट प्रदर्शन मनोरंजक वर्णन और समृद्ध उत्पादन मूल्य है लेकिन इसमें ताज़ा कथानक का अभाव है यह एक अच्छा वे पारिवारिक मनोरंजन है और जो बड़े पैमाने पर दर्शकों को भी प्रभावित करेगा यह एक अवश्य देखे जाने वाली फिल्म है बनी और सुरेंदर के प्रशंसक और फिल्म पाँच में से साढ़े तीन की रेटिंग दी इंडिया ग्लिट्स ने एक समीक्षा देते हुए कहा रेस गुर्रम अपनी सभी शक्तिशाली कल्पनाओं के लिए पूरी तरह से अल्लू अर्जुन की फिल्म नहीं है हालांकि उनकी वीरता युवा दर्शकों को लुभाने के लिए पर्याप्त है लेकिन इसमें बहुत सारे पात्र और भाई संघर्ष कार्यवाही को दिलचस्प बनाए रखते हैं बॉक्स ऑफिस हरीश गुर्रम ने पहले दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छः करोड़ की कमाई की यह फिल्म यू में एक मिलियन डॉलर कमाने वाली अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म बन गई फिल्म ने चार सप्ताह में चौवन पॉइंट इकतीस करोड़ की कमाई की यह अल्लू अर्जुन के लिए सबसे बड़ी हिट बन गई मलयालम डब संस्करण लकी द रेसर को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा स्वागत मिला रेस गुर्रम ने एक सौ उनसठ केंद्रों में से पचास दिन पूरे किए और छब्बीस केंद्रों में सौ दिन पूरे किए अपने पूरे नाटकीय प्रदर्शन में रेस गुर्रम ने उनसठ पॉइंट चार करोड़ से अधिक वितरक हिस्सेदारी अर्जित की और 2014 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनकर उभरी अल्लू अर्जुन जन्म आठ अप्रैल उन्नीस एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक अल्लू अर्जुन अपने नृत्य कौशल के लिए भी जाने जाते हैं वह एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार छः फिल्मफेयर पुरस्कार और तीन नंदी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है वह 2014 से फॉर्बर्स इंडिया की सेलिब्रिटी सो सूची में दिखाई दे रहे हैं उन्हें लोकप्रिय रूप से स्टाइलिश स्टार के रूप में जाना जाता है अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री से अपनी शुरुआत की वह सुकुमार की पंथ क्लासिक आर्य दो में अभिनय करके प्रमुखता से उभरे जिसके लिए उन्होंने नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता उन्होंने एक्शन फिल्मों बनी 2005 और देश मुदुरू दो से अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पारुगु में अभिनय किया जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता अल्लू अर्जुन ने आर्य दो वेदम जुलई रेस गुर्रम एस ओ सत्यमूर्ति रुद्रमा देवी सर्रे नोडू जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया एक लापरवाह ट्वीट स्मार्ट आदमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए दो फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाए उन्होंने रुद्रमा देवी में राजकुमार गौनागन्ना रेड्डी के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता उन्हें पुष्पा राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उच्च प्रशंसा मिली और 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में भी उभरी और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है अल्लू अर्जुन कई ब्रांडों और उत्पादों का समर्थन करते हैं और प्रो कबड्डी लीग और स्ट्रीमिंग सेवा आहा के लिए एक सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेस्डर हैं प्रारंभिक जीवन अल्लू अर्जुन का जन्म आठ अप्रैल उन्नीस को मद्रास वर्तमान चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में फ़िल्म निर्माता अल्लू अरविंद और निर्मला के यहाँ हुआ था उनके दादा प्रसिद्ध फिल्म हास्य अभिनेता अल्लू रामलिंगैया थे जिन्होंने हज़ार से अधिक फिल्मों में काम किया उनका मूल स्थान आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी ज़िले का पलाकोल्लू है अल्लू अर्जुन बीस की उम्र में अपने परिवार के हैदराबाद चले जाने से पहले चेन्नई में पले बढ़े आजीविका वे तीन बच्चों में सबसे दूसरे नंबर पर है उनके बड़े भाई वेंकटेश एक बिजनेसमैन है जबकि उनके छोटे भाई शिरीष भी एक अभिनेता हैं उनकी मौसी अभिनेता चिरंजीवी की पत्नी सुरेखा कौन डेला है वह अभिनेता रामचरण के चचेरे भाई हैं आजीविका अधिक जानकारी अल्लू अर्जुन फिल्मोग्राफी करियर की शुरुआत उन्नीस से उन्नीस सौ दो से दो विजेता में एक बाल कलाकार के रूप में और डैडी 2001 में एक नर्तक के रूप में अभिनय करने के बाद उन्होंने गंगोत्री में अपने व्यस्क करियर की शुरुआत की फिल्म का निर्देशन के राघवेंद्र राव ने किया था और उनके पिता अल्लू अरविंद इसका निर्माण कर रहे थे साथ ही सी अश्विनी दत्त भी थे उनके अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एडल ब्रेन के जीवी ने फिल्म में उनके लुक की आलोचना की और कहा कि अर्जुन को ऐसी भूमिकाएं चुननी चाहिए जो उनकी ताकत को बढ़ाएं और उनकी कमजोरियों को ख़त्म करें इसके बाद उन्होंने बीबी बी विनायक की बनने में मुख्य भूमिका निभाई जो एक कॉलेज छात्र था बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के कारण आलोचकों ने उनके प्रयासों तौर तरीकों और नृत्य की प्रशंसा की उनकी अगली फिल्म ए करुणाकरण की संगीत में प्रेम कहानी हैप्पी थी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर विशेष रूप से विदेशी बाजारों में अच्छा प्रदर्शन किया एक आलोचक ने उनके नृत्य कौशल और प्रदर्शन की सराहना की लेकिन महसूस किया कि उनका चरित्र एक विशिष्ट कुशमिजाज आदमी है शैलियों का प्रयोग 2007 से 2010 इसके बाद उन्होंने पूरी जगन्नाथ की एक्शन फिल्म देशमदुरू में अभिनय किया जिसमें उन्होंने एक निडर पत्रकार बाला गोविंदम की भूमिका निभाई जो एक अंधेरे अतीत वाली महिला के प्यार में पड़ जाता है यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिससे उन्हें संतोषम फिल्म पुरस्कार सिनेमा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनका दूसरा नामांकन मिला उनकी अगली फिल्म भास्कर की परूबू थी जिसमें उन्होंने हैदराबाद के एक मिजाज आदमी कृष्णा की भूमिका निभाई जो अपने दोस्त को उसके प्यार के भाव साथ भागने में मदद करता है लेकिन उसे महिला की प्रता के क्रोध और भावनात्मक संघर्ष का अनुभव करना पड़ता है आइडर ब्रैन ने लिखा अल्लू अर्जुन पहले भाग में बहुत उत्कृष्ट हैं क्योंकि पहले भाग में चरित्र चित्रण जीवंत है और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है उन्होंने पूरे भाग को अपने कंधों पर उठाया उन्होंने दूसरे भाग में भावनात्मक दृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया अल्लू अर्जुन ने अगली बार सुकुमार की एक्शन कॉमेडी आर्य टू में अभिनय किया रोमांटिक एक्शन फिल्म आर्य 2004 की आध्यात्मिक अगली कड़ी में उन्होंने एक आर्य की भूमिका निभाई जो व्यवहारिक रूप से बीमार है और वह अपने दोस्त अजय नवदीप के लिए स्वामित्व की भावना से ग्रस्त है जो उसे कभी स्वीकार नहीं करता या फिर प्रेम घृणा संबंधों और प्रेम त्रिकोण की जटिलताओं के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म में उनका किरदार पूरे रंग का था सिफी ने लिखा है कि अल्लू अर्जुन प्यार की शक्तिशाली धारा में फंसे व्यक्ति के रूप में ऊर्जा से भरपूर हैं हालांकि वह नकारात्मक रंगों के साथ भूमिका निभाते हैं लेकिन उनका चरित्र चित्रण दर्शकों से बहुत सहानुभूति पैदा कर सकता है उनके नृत्य मन मुताबिक हैं उड़ा रहा है और वे भावनात्मक दृश्यों में उत्कृष्ट हैं 2010 में उनकी दो रिलीज़ हुई पहली थी गुणशेखर की वरूडू जिसमें उन्होंने आर्य और भानुश्री मैरा के साथ अभिनय किया फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज अत्यधिक प्रशंसित हाइपर लिंक एंथोलॉजी फिल्म बेदम थी यह भारत में उनकी पहली ए रेटेड फिल्म थी और इसकी कहानी मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में छब्बीस ग्यारह के मुंबई विस्फोटों से प्रेरणा लेती है उन्होंने जुबली हिल्स हैदराबाद स्लम के रहने वाले केबल ऑपरेटर आनंद केबल राजू की भूमिका निभाई फिल्म में अनुष्का शेट्टी मांचू मनोज और मनोज वाजपेयी भी अन्य भूमिकाओं में हैं आगे की सफलता 2011 से 2013 हज़ार तेरह वह अगली बार बीबी विनायक की एक्शन फिल्म बद्रीनाथ 2011 में दिखाई दी है जिसमें उन्होंने बद्री की भूमिका निभाई जो एक आधुनिक भारतीय समुराई है जिससे उसके गुरु प्रकाश राज द्वारा बद्रीनाथ मंदिर की रक्षा करने का काम सौंपा गया है जिसके प्रति वह बहुत वफादार हैं अल्लू अर्जुन ने वियतनाम में गैन मार्शल आर्ट और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया और तमन्ना के साथ उनकी पहली जोड़ी है फिल्म में एक योद्धा की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने अपने बाल बढ़ाए ग्राफिक एक्शन हिंसा के कारण वेदम दो के बाद यह भारत में उनकी दूसरी एरेटेड फिल्म है फिल्म ने एक सौ सत्तासी सिनेमाघरों में पचास दिन का प्रदर्शन पूरा किया उनके प्रदर्शन और चरित्र को मिश्रित समीक्षाएं मिली टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने लिखा है कि अर्जुन के पास शायद ही भावनाओं को व्यक्त करने की कोई गुंजाइश है क्योंकि उन्हें ज़्यादातर एक्शन दृश्य और गाने की दृश्यों में धकेल दिया गया था बद्रीनाथ के बाद उन्होंने 2011 में त्रिविक्रम श्रीनिवास की एक्शन कॉमेडी फिल्म जुलाई पर हस्ताक्षर किए यह दो में रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने रविंद्र नारायण की भूमिका निभाई थी जो एक स्ट्रीट स्मार्ट लेकिन बिगड़ैल बच्चा था जिसके जीवन में उसके बाद एक बड़ा बदलाव आता है एक बड़ी बैंक डकैती का गवाह एक आलोचक ने लिखा है कि अल्लू अर्जुन ने प्यारे बदमाश के रूप में एक आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शन किया है एक ऐसी भूमिका है जो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है और वह इसे एक विशिष्ट पनाचे के साथ निभाते हैं वे विशेष रूप से अपने नृत्य के साथ स्क्रीन को रोशन करते हैं कुछ को खींचते हैं काफ़ी चुनौतीपूर्ण डांस मूव्स इदार मई लाथो दो के सेट पर अल्लू अर्जुन अगले वर्ष उन्होंने पूरी जगन्नाथ की एक्शन थ्रिलर इदार रम मई लाथो में अभिनय किया जिसमें उन्होंने हमला पॉल और कैथरीन ट्रेसा के साथ एक अंधेरे अतीत वाले गिटार वादक संजू रेड्डी की भूमिका निभाई द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने फिल्म के विभिन्न गानों में एक्शन दृश्यों और डांस मूव्स में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की उन्होंने कहा अल्लू अर्जुन और स्टंट एपिसोड में अपने लाभ के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हैं एक अन्य आलोचक ने लिखा है कि अपने स्टाइलिश स्टार के टैग के अनुरूप अल्लू अर्जुन पहले से कहीं अधिक ट्रेंडी दिखते हैं गिटार वादक का उनका किरदार जो बर्सिलोना में एक स्ट्रीट परफॉर्मर है अपने सबसे अच्छे रूप में था और पूरी तरह से अलग दिखता है अपनी पिछली फिल्मों से उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वह एक अच्छे अभिनेता हैं और शायद एक्शन निर्देशक की सावधानीपूर्वक योजना के कारण वह सभी लड़ाई दृश्यों में सही अभिव्यक्ति करते हैं यह फिल्म देशमधुरों के पूरी जगन्नाथ के साथ उनका दूसरा और आखिरी सहयोग है व्यावसायिक सफलता 2014 से 2018 2014 में वह वामसी पेड़ी पल्ली की एक्शन थ्रिलर फिल्म येवाड़ू में काजल अग्रवाल के साथ एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने अपनी समीक्षा में लिखा है कि अल्लू अर्जुन दिखाते हैं कि एक अभिनेता एक छोटी भूमिका में भी क्या कर सकता है कुछ ही मिनटों में वह अपने अनुभव को समेटते हैं चरित्र को आंतरिक बनाते हैं और एक बेहतरीन किरदार बनाते हैं अपनी पहचान खो देने के बाद भी प्रभावशाली निकास उनकी अगली फिल्म तुरन्दर रेड्डी की रेस गुर्रम थी जिसमें उन्होंने एक लापरवाह व्यक्ति अल्लू लक्ष्मण लक्की प्रसाद की, की भूमिका निभाई वह मई दो में फिल्म के निर्माण में शामिल हुए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही साथ ही यह फिल्म अल्लू की पहली सौ करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई डक्कन क्रॉनिकल को लिखते हुए सुरेश कबीरयानी ने महसूस किया कि अल्लू अर्जुन ने अपने ऊर्जावान प्रदर्शन से शो को चुरा लिया और फिल्म में उनके नृत्य कौशल की भी प्रशंसा की रंजनी राजेंद्र ने भी उनके नृत्य हास्य अभिनय और एक्शन दृश्यों में प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन उन्हें लगा कि कहानी पूर्वानुमित और नियमित है अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना तीसरा फेयर पुरस्कार जीता और जुलाई के बाद दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एस आई आई एम में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अल्लू अर्जुन ने एक लघु फिल्म आई एम दैट चेंज का निर्माण और अभिनय किया जो अगस्त 2014 में रिलीज़ हुई थी फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया था व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रिलीज़ होने पर लघु फिल्म को ऑनलाइन वायरल प्रतिक्रिया मिली और इसकी अवधारणा और निष्पादन के लिए मशहूर हस्तियों सहित कई लोगों ने इसकी सराहना की इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया अल्लू अर्जुन अगली बार त्रिविक्रम श्रीनिवास की एस ओ सत्यमूर्ति दो में दिखाई दिए जो नौ अप्रैल दो को रिलीज़ हुई थी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सातवां नामांकन दिलाया फिल्म के बाद उन्होंने गुणशेखर शेखर की जीवनी एक्शन फिल्म रुद्रमा देवी 2015 में गोना गन्ना रेड्डी की भूमिका निभाई बेहतर स्रोत की आवश्यकता रुद्रमा देवी के जीवन पर आधारित यह फिल्म पहली भारतीय थ्री डी ऐतिहासिक फिल्म है फिल्म में किरदार के लिए उन्होंने तेलंगाना तेलुगु भाषा सीखी है और उसे बोलते हुए देखा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके प्रदर्शन को त्रुटिहीन और सीटी योग्य कहा चरित्र गौना गौनागन्ना रेड्डी के लिए व्यापक प्रतिक्रिया और लोकप्रियता के कारण 2021 में निर्देशक गुणाशेखर ने कहा कि वह शकुंतलम के बाद पूरी तरह से चरित्र पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में होंगे रुद्रमा देवी के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दोनों जीतने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए तीन अन्य पुरस्कार भी जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी शामिल है, है। अल्लू अर्जुन 2018 में विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम के एक प्रचार कार्यक्रम में 2016 में उन्होंने बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित सारे नोडू में अभिनय किया हालांकि फिल्म को पटकथा और कहानी के नकारात्मक समीक्षा मिली यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने एक करोड़ से अधिक की कमाई की अल्लू अर्जुन ने इसे अपने करियर की एक ऐतिहासिक फिल्म कहा एक्शन दृश्यों और डांस नंबरों में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फ़िल्म फेयर पुरस्कार दिलाया इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फ़िल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनका आठवां नामांकन भी हुआ उसी वर्ष जून में उन्होंने तीसरी बार निर्माता दिलराजू के साथ डीजे जे दुवादा के लिए अपनी अगली फिल्म की घोषणा की 2017 में रिलीज हुई हरीश शंकर द्वारा निर्देशित फिल्म जिसमें उन्होंने पूजा हेगड़े राव रमेश और सुब्बा राजू के साथ दोबारा जगनादम डी जे शास्त्री की भूमिका निभाई वह एक कैटरर के रूप में दिखाई देता है जो एक गुप्त पुलिस वाला है फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने उनके नृत्य की प्रशंसा की और लिखा कि सीतीमार और अस्वाई का योग में अल्लू अर्जुन की उत्तम चालों से परे देखें आपको बस एक कहानी मिलेगी जो अपनी लय खोजने के लिए संघर्ष करती है इंडिया टुडे ने भी उनके नृत्य की सराहना की लेकिन फिल्म की पटकथा की आलोचना की और इसे बोर आ, बोर, बोर ओबिया कहा अगले साल मई में लेखक से निर्देशक बने वकंथम वामसी के निर्देशन में उनकी फिल्म पेरू सूर्य न इल्लू इंडिया रिलीज हुई उन्होंने भारतीय सेना के एक सिपाही सूर्या की भूमिका निभाई जिसे क्रोध प्रबंधन की समस्या है अल्लू अर्जुन ने पेशेवरों से ट्रिक्स और स्टंट सीक्वेंस सीखने में काफ़ी समय बिताया खासकर डांस नंबर और एक्शन सीक्वेंस के लिए रिलीज़ होने पर फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही एक आलोचक ने उनके प्रदर्शन को अल्लू अर्जुन का करियर सर्वश्रेष्ठ का और इसे फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया अला वैकंठपुरु और उससे आगे दो से मौजूदा दिसंबर 2018 में उनके अगले प्रोजेक्ट अला वैकंठपुरु की घोषणा की गई जिसके निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास थे पूजा हेगड़े को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए चुना गया इस तरह डी जे जो दुवादा जगनादम के बाद हेगड़े के साथ उनका दूसरा सहयोग शुरू हुआ वह अप्रैल 2019 में फिल्म के निर्माण में शामिल हुए अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्ण द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित यह फिल्म जुलाई 2012 और एस ओ सत्यमूर्ति के बाद अल्लू अर्जुन और तीर विक्रम के तीसरे सहयोग का प्रतीक है फिल्म जनवरी 2020 में रिलीज़ हुई थी अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाएँ मिली रोहित मोहन द्वारा कोई मोई पर पोस्ट की गई एक समीक्षा में कहा गया है कि चाहे वह कॉमेडी हो एक्शन हो भावनाएं हो शैली हो निश्चित रूप से नृत्य हो स्टार अभिनेता ने इसे फिल्म में बखूबी निभाया है जैसे बनी ने अपने अभिनय के दर्शकों को अपनी धुनों पर थिरकने पर मजबूर कर दिया फिल्म कंपेनियन को लगा कि बोर्ड रूम दृश्य में अल्लू अर्जुन का प्रदर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण था इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की भावना शर्मा ने कहा कि अल्लू अर्जुन अपने किरदार में पूरी तरह से घुस गए थे यह फिल्म उनके करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है बुट्टा बोमा गाने में अल्लू अर्जुन के नृत्य प्रदर्शन को व्यापक प्रतिक्रिया मिली 2021 में वह पुष्पा दराइस के लिए लगभग एक दशक के बाद सुकुमार के साथ फिर से जुड़े यह फिल्म आंध्र प्रदेश के शेष चलम पहाड़ियों में लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है और अल्लू अर्जुन ने कैद फासिल और रश्मिका मंदाना के सात से तस्कर बने की भूमिका निभाई फिल्म दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी लेकिन इसे मिली जुली समीक्षा मिली लेकिन उनके अभिनय की प्रशंसा की गई कार्य और मीडिया छवि उनकी लोकप्रियता दो तेलुगु संगीत वीडियो में दर्ज की गई थी पहला एक रैप गीत है जिसे एस तमन द्वारा संगीतबद्ध किया गया है और रोल निधा और हरिका नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया है और गीत रोल रिदा और द हैदराबाद नवाब्स द्वारा लिखे गए हैं अल्लू अर्जुन रैप सॉन्ग नामक संगीत वीडियो जनवरी 2021 में आदित्य म्यूजिक लेबल के माध्यम से जारी किया गया था अल्लू अर्जुन को जे में 2020 के सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों की सूची में शामिल किया गया था वह याहू पर 2020 में सर्वाधिक खोजे जाने वाले पुरुष सेलिब्रिटी हैं मीडिया में उन्हें आइकन स्टार या बनी कहा जाता है केरल में उनकी फिल्मों की लगातार सफलता के बाद आर दो हज़ार चार के बाद से उन्हें मल्लू अर्जुन कहा जाने लगा